अच्छा आवाज आ रही है, चेक करो। गुड मॉर्निंग सबको, आवाज आ रही है एक बार चेक कर लो बेटा, एक बार चेक करो आवाज आ रही है, ऑडियो आ रही है भाई, जल्दी 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 फास्ट। आज थोड़ी सी गुड मॉर्निंग सबको, थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो गई। पहले क्या हुआ, मैंने स्ट्रीम की गलत डाल दी, जो इवनिंग में लेक्चर है आज आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का कंप्लीट क्लास 12th कराएंगे, पर मैं उसमें ज्यादा जेनेटिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, तो सबको अटेंड करना है क्योंकि जेनेटिक्स में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आते होंगे मैं उनको जरूर ले लूंगा आपके लिए, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं, एक बार अपना फटाफट से यस लिख दीजिए, और आपका मन करे तो दिल बनाइए, नहीं तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर यस जरूर लिख दो चैट में, ठीक है। सेशन के एक दो मिनट डिले होने का यही रीजन था। अभी क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि माइक ऑन है कि ऑफ है, ठीक है, तो एक बार चैट में यस लिख दो, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज हमने प्लान करना है कि बायोमोलिक्यूल और सेल दोनों करा दें, ठीक है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो पिछले 3-4 साल से यूट्यूब पर जरूर दिख रहा हूं और बहुत अलग अलग तरीके से कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पहली बार क्वेश्चन के थ्रू, मतलब पहली बार अगर रियल में देखेंगे एनसीईआरटी को ऐसे लगाकर उस पर लाइन लगाने वाला काम कि यार ऐसे पढ़ना है, वो हमने स्टार्ट किया था कभी ना कभी, ठीक है, कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स में जो सीक्वेंस होता था पढ़ाने का क्लास में, वो ऊपर नीचे होता था, वो कोई भी टॉपिक पहले पढ़ा देते थे, तो जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है वो प्रॉपरली हमने स्टार्ट किया कि इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा जिसको हमने स्टार्ट किया, और बहुत सारी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जड़ों में उनको मजबूत करने के लिए काम किया, ठीक है। तो हम सिर्फ आपसे ये उम्मीद करेंगे इन बचे हुए 20 दिनों में आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना, आप मेरे बारे में क्या सोच रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद के लिए क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन गए उनके डायरेक्ट मैसेज आते हैं, सर हम आज भी जो आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया है ना, वो मेरे बायोकेम के पेपर में आता है, फर्स्ट ईयर में बायोकेम के पेपर में आता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं बेटा जिनका पूरा पूरा सपोर्ट है, और आप भी प्लीज पढ़ाई करिए, ठीक है। हमने दो ऐसे बड़े लेक्चर लिए जिसमें मैंने प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी करा दी। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने इकोलॉजी के नोट्स और प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स लिखकर याद किए उसके बाद, मुझे चैट में जरूर बता दो। कितने ऐसे बच्चे हैं बेटा, यस 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 यस, कितने ऐसे बच्चे हैं, यस, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स जो हैं वो लिखकर याद किए हैं, जल्दी बता दो चैट में, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो चैट में, जल्दी बता दो। जल्दी बता दो बेटा चैट में, जल्दी बताओ। मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं ये कंप्रेस करके रिवीजन करा रहा हूं, इसको करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, आप लेक्चर में बहुत ध्यान से सारी बातें सुनो। दूसरा आपने क्या करना है कि जो आपको नोट्स मैं कंप्रेस करके दे रहा हूं भाई, उसको 2-4 बार लिख कर देख ले। शॉर्ट नोट्स में बच्चे डिमांड करते हैं, टीचर देते हैं, सबसे मुश्किल होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे, ये नहीं पता होता। तो ये जो तुझे मिल रहा है ना, एक तरह का कंप्रेस मटेरियल है, इसके बाहर नहीं आएगा। जब नीट का पेपर हो जाएगा ना, मैं तुझे ये खोल के दिखा दूंगा कि मैंने यार कंप्रेस करके जो पढ़ाया था ना, इसी में से सारा आया, देख ले एक बार। यस यस, टेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे बेटा। क्या प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स नहीं आए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी जाओ इसके जो आपके पास अभी भी जो लेक्चर का लिंक है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। लेक्चर खत्म होते ही मैं आपको क्या नाम है उसका, इकोलॉजी का और इसका प्लांट फिजियोलॉजी का और इस चैप्टर का दोबारा से नोट्स शेयर करूंगा, ठीक है। करें स्टार्ट, कर लें, जल्दी बताओ बेटा, स्टार्ट कर लें। अगली बार एनाटॉमी चाहिए, हाँ बेटा, एनाटॉमी मॉर्फो कंबाइन, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी कंबाइन करके करेंगे। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी कंबाइन करके एक सिंगल लेक्चर में पढ़ाऊंगा, 2-2.5-3 घंटा मैक्सिमम उसमें कराएंगे आपको, क्लियर है? यस, तो एनाटॉमी मॉर्फो कराएंगे, बायोलॉजिकल करा देंगे, और कुछ रह गया क्या, और कुछ रह गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करा देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एग्जैक्ट 1.5 घंटे में पूरा समझ आएगा, पूरा ये रिवाइज हो जाएगा। चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें,
शायद आप में से नहीं पता बेटा, पिछले साल मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के 50 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाए थे, उसके बाहर कुछ नहीं आया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देने के लिए, अगर आप पढ़ोगे तभी तो दे पाएंगे बच्चे। करें स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। नो वॉइस नहीं, वॉइस है। अच्छा, मॉलिक्यूलर का बचा हुआ पार्ट आपको चाहिए या मैं एक बार मॉलिक्यूलर फिर से 3 घंटे में पूरी करा दूं? अगर आप कहो तो मैं 3 घंटे में मॉलिक्यूलर और 3 घंटे में ऐसे करके मॉलिक्यूलर पूरी 2.5 घंटे में पूरी ही आपको फिर से करा दूं, करा सकता हूं मैं। हाँ यस, एक बार पूरी रिवाइज करा दूं। यस ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर देंगे बेटा, ये काम भी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। बायोमोलिक्यूल और सेल आज का टारगेट है, थोड़ा सा बताएंगे इसमें कि कैसे करना है हमने। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करूंगा। मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। आपके पास बायोमोलिक्यूल के कितने क्वेश्चन आते हैं मुझे चैट में बताओ, आपको रियल में पता है कि नहीं बेटा? बायोमोलिक्यूल के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में होते हैं। तो अगर आप देखो 6 से 7 क्वेश्चन लगभग बायोमोलिक्यूल में आ जाते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री वाला भी इंक्लूड कर लूं। केमिस्ट्री वाले में बस आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक होता है वो ग्लूकोज के रिएक्शन होते हैं, बाकी लगभग मैं यहां आपको पूरा कवर करा ले जाऊंगा, पूरे का पूरा आपको कवर करा ले जाऊंगा पूरे के पूरा। आप क्या करो, मेरे कहने से अपनी एनसीईआरटी पास रख लो, 7 के 7 आपने क्या करना है बेटा, एक रफ कॉपी रख लो, उसमें चाहे गंदी राइटिंग में लिखना जो मैं समझा रहा हूं, उसको जल्दी जल्दी सोच के कुछ कुछ पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करना, याद करना मेरे साथ, याद करना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। चले 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 क्या? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग बायोमोलिक्यूल में लेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या हम टॉपिक लेने वाले हैं बायोमोलिक्यूल? पूरा फोकस बन गया सबका, रफ सा रजिस्टर रख लिया सबने? हां सर रख लिया। देख बेटा, बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन आएगा। उनमें सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हम क्या करते हैं बेटा, कोई पहले सुन ले, फिर मेरे पास लिखा हुआ है, मैं पूरा समझाऊंगा उससे फिर आगे चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक यह है कि आपको बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं बायो का मतलब होता है लिविंग, मॉलिक्यूल मतलब लिविंग से मिलने वाली कोई चीज, वो आयन नहीं हो सकता। अगर मैं तेरे से पूछूं कि बायोमोलिक्यूल क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग से मिले, लिविंग समझ में आता है, कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग सेल से मिले, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग सेल से मिले उसे बायोमोलिक्यूल कहते हैं। सोडियम क्या लिविंग से मिलता है? नहीं, सोडियम सॉइल से रूट में जाता है। क्या लिविंग सेल सोडियम को बनाता है? नहीं। तो बायोमोलिक्यूल का मतलब पहला पॉइंट ऑर्गेनिक होगा, दूसरा वो किससे मिलेगा, किसी लिविंग सेल में प्रेजेंट होगा, लिविंग सेल उसे बनाएगा। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि जब हम बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं। हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि यार देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि बायोमोलिक्यूल कहां प्रेजेंट है, आप कहोगे सर लिविंग सेल में है, तो मैं कहूंगा लिविंग सेल में किस में, प्लांट में, एनिमल में? आप कहोगे दोनों में। तो मैंने क्या किया, लिवर ले लिया, लिवर का थोड़े से सेल्स ले लिए, या मैंने क्या ले लिया, कोई भी प्लांट टिश्यू ले लिया, मैंने दोनों को क्रश कर लिया अलग अलग। क्रश करने के बाद एक सॉल्यूशन, एक एसिड में उसे डिसॉल्व किया, उसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। उसके बाद उसे फिल्टर कर लिया, फिल्टर करके जो आया उसे फिल्टरेट बोला, और जो फिल्टर नहीं हुआ उसे बोला रिटेंटेट। हम उस टॉपिक पर अब बात करने वाले हैं। चले ध्यान से, जल्दी बताओ बेटा, चले चले चले। ठीक है बेटा, ये वाली जो बात है ना, है ना, पहले एक बार दिमाग से सोचियो कि 4200 का कोर्स 4800 का काहे है, है ना, और दूसरी चीज ये सोचियो कि पिछले साल 4900 का 4200 में क्यों हुआ और सर ने 2200 में लाया। बस तेरे सारे जवाब हैं तेरे पास, आ जा, बाकी तो तू समझदार अपने आप है। इधर देख बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सर को पढ़ाने दे, पढ़। इधर देख, सबसे पहले व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल का सोर्स लिविंग है प्लस ऑर्गेनिक है, समझ ले ध्यान से। बायोमोलिक्यूल का सोर्स क्या है? लिविंग है प्लस वो ऑर्गेनिक है। अब देख, हमने क्या किया, ये प्लांट टिश्यू ले लिया, उसको पीस लिया मोर्टार और पेस्टल में, वो क्या होता है जिससे दवाई बनाते हैं, और ये क्या किसका फॉर्मूला है बेटा, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। मैंने इसमें क्या किया, इसको डिसॉल्व कर लिया, मैंने इसको इसमें डिसॉल्व कर लिया।
ठीक है, मैंने क्या किया, लीफ को पीसा और ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में डिजोल्व कर लिया। उसके बाद मैंने इसको फिल्टर किया, तो जो नीचे फिल्टर होके आ गया उसको मैंने बोला एसिड सॉल्यूबल पूल, और जो ऊपर यहां रह गया उसको मैंने रिटेंटेट बोला, उसे हम कह रहे हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल। यस और नो? अब आपको ये दिमाग में रखना है कि एसिड इनसॉल्यूबल पूल में क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज जो आती है वो आते हैं पॉलीसेक्राइड, याद रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, पॉलीसेक्राइड आएंगे, उसके अलावा आएंगे प्रोटीन्स, यहां क्वेश्चन आएगा, तीसरी चीज आएगी न्यूक्लिक एसिड, और इसके अलावा बेटा मेरे पास आएगा लिपिड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपने एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको पीस लिया और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया, फिर जब उसको आपने चीज क्लोथ या कॉटन से फिल्टर किया तो रिटेंटेड। क्या आपको लगता है नीट में ये पूछेगा कि फिल्टर किससे किया, चीज क्लोथ या कॉटन से? नहीं पूछेगा, वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि रिटेंटेड में क्या क्या था, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। दूसरी चीज मैं तेरे से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, किसी प्लांट की सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनती है, सेलुलोज की, तो सेलुलोज क्या है, सर पॉलीसेक्राइड है। किसी प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होगा, हां सर प्रोटीन होगी, हां। तो जो दीवारें हैं, जो मेरे पास दीवारें हैं, यस और दीवारों को कहेंगे वॉल कंपोनेंट। दूसरा, क्या साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होती है? हां। तो आपको यह समझना है कि एसिड सॉल्युबल पूल में एक तो वॉल कंपोनेंट आएगा, मतलब दीवारों की चीजें आ जाएंगी, प्लस साइटोप्लाज्म से चीजें आ जाएंगी। यस और नो? यस सर। और उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल, एक और नाम रिटेंटेड। अब जो चीज नीचे फिल्टर होके आई वो क्या क्या थी, सबसे पहले वो आयंस थे जो नीचे आए फिल्टर होके, यस यहां पर। दूसरी चीज क्या थी, वो शुगर थी, अमीनो एसिड्स थे, न्यूक्लियोटाइड था और न्यूक्लियोसाइड था। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, एसिड सॉल्युबल पूल में। अब मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूं, क्या दीवारों में बहुत सारे आयंस होते हैं? नहीं, वो तो मेनली साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो एसिड सॉल्युबल पूल में जो भी चीजें हैं वो कौन सी हैं? सर साइटोप्लाज्मिक हैं। लेकिन दीवारों में और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होगी, यस। न्यूक्लिक एसिड कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जो लिपिड होगा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी, यस 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 यस। अब आप देख लो बेटा, अब आप देख लो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या है, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। एसिड सॉल्युबल पूल में क्या है, आयन, शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। क्या यहां तक कोई डाउट है, चैट में बता दो, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी 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 जल्दी, क्या यहां तक कोई डाउट है? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, सेलुलोज किसमें आएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। मैं तुझसे पूछूं कि एक एक हार्मोन है जो प्रोटीन का बना हुआ है, इंसुलिन किसमें आएगा, एसिड सॉल्युबल पूल में। सोडियम किसमें, सॉरी एसिड इनसॉल्युबल में। सोडियम किसमें आएगा, एसिड इनसॉल्युबल, सॉरी सॉल्युबल में आएगा, सोडियम, सोडियम आयंस है। शुगर, ग्लूकोज किसमें आएगा, सॉल्युबल में आएगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, ये किसमें आएंगे, सॉल्युबल में आएंगे, यस। तो शुगर्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। कोई डाउट, कोई डाउट है? नहीं सर, बहुत बढ़िया, चलो आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से देख, इधर देख, देख बेटा इधर देख ध्यान से। अब मैं तुझसे पूछूं कि मेरे पास एक लीफ है, उसका फ्रेश वेट है, उसमें क्या क्या होता है, फ्रेश वेट में क्या क्या होता है, जरा फोकस कर मेरी तरफ। फ्रेश वेट में बेटा ऑर्गेनिक होता है, प्लस इनऑर्गेनिक होता है, प्लस पानी होता है। अगर मैं पानी निकाल दूं, पानी इवेपोरेट कर दूं, तो क्या आएगा, ड्राई वेट। ड्राई वेट में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक आ जाएगा, और अगर मैं उसका कंबशन कर दूं तो सिर्फ क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक बचेगा। यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है बेटा, यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है वो सिर्फ ये आ सकता है कि कंबशन करने के बाद एश वेट में क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक बचेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या होगा, ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स बना के निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ इनऑर्गेनिक बचेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एश वेट बोलेंगे। ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल वाला कॉन्सेप्ट, फिर ड्राई फ्रेश वेट, ड्राई वेट, एश वेट वाला कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर पूरा फोकस करोगे तो समझ भी आएगा। देखो, हमने सबसे पहले एक परिभाषा पढ़ी कि बायोमोलिक्यूल वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसको एक लिविंग सेल और कोशिका बनाती है, वो ऑर्गेनिक होते हैं। अगर आप सोडियम देखो तो सोडियम वैसे भी ऑर्गेनिक है नहीं, डेफिनेशन में आया नहीं,
मैंने बायोमोलिक्यूल को एनालाइज किया, मैंने देखा कि बायोमोलिक्यूल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। एक वो बायोमोलिक्यूल जो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं वो छोटे होते हैं, छोटा उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लेस होता है, यस। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ गई। एसिड इनसॉल्युबल पूल में ये चार चीजें आएंगी। लिपिड एक ऐसा कंपाउंड है जो आना किसमें चाहिए, एसिड सॉल्युबल पूल में, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, पर वो आता किसमें है, इनसॉल्युबल में आता। यहां तक कोई डाउट है, सोच लो। अब हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। देखिए ध्यान से, अगर मैं तेरे से कुछ एग्जांपल दे दूं, मैं कहूंगा बता ग्लूकोज क्या है, तो तू कहेगा प्राइमरी मेटाबोलाइट है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जो सारे तरह के सेल्स में मिलता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो सारे तरह के सेल्स में मिलते हैं। दूसरा, ग्लूकोज कहां यूज होता है, एनर्जी बनाने के लिए, कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल रोल है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट लगभग सारे सेल्स में होते हैं, उनका रोल हमें पता होता है, फिजियोलॉजी में रोल है। किसमें रोल है, फिजियोलॉजी में रोल है। तो वो सारे सेल में मिलेंगे, उनका रोल हमें पता है, और कैसा रोल है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एनसीईआरटी लिखती है प्लांट फंजाई और माइक्रोब्स में मिलते हैं, उनके रोल हमें लगभग नहीं पता, हमें रोल नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई कह रहा है यार कि यार आपको पता तो है कि जो मान लो राइसिन है या वो एज अ टॉक्सिन काम करता, टॉक्सिन हमारे लिए प्लांट में क्या करता है, ये नहीं पता। प्लांट में कहीं ना कहीं उनकी कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है, यस। तो उनका जो रोल है वो ह्यूमन वेलफेयर में है, पर प्लांट में रोल नहीं पता, या फंजाई में नहीं पता, माइक्रोब्स में नहीं पता। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट उन्हें कहते हैं। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं काम को लेकर, कि प्राइमरी मेटाबोलाइट वो है जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। अब आपको यहां पर तीन टेबल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सारे बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, ये टेबल याद करके जाना, ये दो बार क्वेश्चन आया। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में वो पूछ देगा एसेंशियल ऑयल का एग्जांपल बताओ, लेमन ग्रास ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है, ये आ चुका है। लेक्टिन्स क्या होते हैं बेटे, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं, उसका एग्जांपल कॉनकेवलिन ए है। टॉक्सिन्स में एब्रिनोराइसिन, मैंने कहा ना ये हमें अपने हिसाब से काम पता है, पर प्लांट में क्या कर रहा है ये नहीं पता। ड्रग्स के एग्जांपल है विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, करक्यूमिन किसमें मिलता है, इसमें हल्दी में, क्लियर है, यस। और देखो पिगमेंट पहचानना आसान है, कैरोटीनॉइड एंथोसाइनिन। एल्कोलॉइड्स में मॉर्फीन, मॉर्फीन कहां है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कोडीन खांसी की कफ सिरप में होता है ये। टारपिनोइड, मोनोटारपिन, डाइटारपिन, डाइटारपिन तुम्हारे पास जीए लिखा है, जिबरलिक एसिड। तो अगर अपने दिमाग में सोचोगे ना तुम्हें क्या क्या याद करने, मेन ये चार ध्यान से पढ़ लेना, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग, इसमें गड़बड़ करोगे क्योंकि पॉलीमेरिक रबड़ है और सेलुलोज ही हो जाएगा। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के आपको क्या याद करनी है, टेबल याद करनी है सही से, हो जाएगा, जल्दी बताओ हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं मैं बता देता हूं, तू नोट्स सही से जो मैं लिख के दूंगा वो रिवाइज कर, ये लेक्चर देख ले, तेरे को 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यस यस सर, 2025 के लिए सफिशियंट है, पिटाई कर दूंगा, इधर पढ़ ले 24 के लिए। अब इधर देख, एक टेबल ये है, इस टेबल में से तुझे सिर्फ ये याद करना है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है। इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है कि सबसे पहले प्रोटीन सबसे ज्यादा में है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर लिपिड है। ये याद रख, परसेंटेज वाइज अगर एग्जैक्ट याद नहीं है तो कम से कम ये याद कर ले कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है और सबसे कम अमाउंट में लिपिड होता है। ये याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा, जल्दी बता, यस ये याद रह जाएगा। हाँ बच्चे, डोपा का मैंने प्रॉमिस किया था, मैं पिछले 3-4 दिन से नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि इन स्लाइड्स में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, एक बार मुझे वर्क बैलेंस करने दे फिर मैं देना स्टार्ट कर देता हूं और आपको दूंगा। मतलब ऐसा नहीं एग्जाम बचा है, कम टाइम बचा है, ठीक है 20-22 भी कर लेगा तो तेरा सारा उसी से हो जाएगा, टेंशन ना ले। इधर आ जाओ, अब एक टेबल ये, इस टेबल में से सर क्या सारा रट ले, सारा रटेगा नहीं जाएगा तेरे से। सबसे पहले तू ये याद कर, इसमें सबसे पहला पॉइंट तुझे क्या याद करना है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन देख कैसे मैं बोलता हूं, जैसे मान ले हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, पानी,
पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उसमें मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होता है? सर ऑक्सीजन का। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। अगर मैं पानी हटा दूं, अगर मैं पानी रिमूव कर दूं, तो फिर कार्बन होती है, फिर नाइट्रोजन होती है। तो ह्यूमन बॉडी में यह याद कर लेना आपने, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ये पॉइंट याद कर लेना। दूसरे आपको क्या याद करनी है, दूसरे आपको यह याद करनी है कि अर्थ में सिलिका बहुत मिलता है, हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल है। बाकी आप नहीं करोगे चल जाएगा। ऑक्सीजन देख बेटा अर्थ में कितनी है, 46, अर्थ में भी ज्यादा है, हमारी बॉडी में भी ज्यादा है ना। फिर हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है नाइट्रोजन, कार्बन देखिएगा बहुत कम है बेटा अर्थ में, ये देख अर्थ क्रस्ट में, लेकिन यहां कार्बन कहां है एग्जैक्टली, CO2 की फॉर्म में। तो ये देख जरा, तो ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे करना है। सिलिका हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल होता है, तो हम यहां पर बिल्कुल ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं। देख ध्यान से, सबसे पहले हम क्लासिफाई कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल को। कर सकते हैं भाई याद, मेरे कहने से याद कर सकते हो, सीक्वेंस याद कर ले। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कर लेगा, एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। कौन सा ऐसा मिनरल है जो अर्थ क्रस्ट में अच्छा खासा है लेकिन हमारी बॉडी में बिल्कुल नहीं है? सिलिका, यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा नहीं पूछेगा। परसेंटेज मैच द फॉलोइंग में देगा, नहीं देना चाहिए, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं देना चाहिए जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है। अब आ जाओ बेटा, बायोमोलिक्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनको हम किस में रखते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल में। यस यस यस, ध्यान से सुन बच्चे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 या 1000 डेल्टान से कम होता है, वो एसिड सॉल्यूबल पूल में आते हैं। और उनके एग्जांपल है अमीनो एसिड्स, शुगर है ना, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजिनस बेस। यस और नो? यस सर। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका साइज ज्यादा है, जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, इनके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। यस और नो? लिपिड एक ऐसा कंपाउंड है जो आता बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में है, पर वो है एसिड किसमें, इनसॉल्युबल पूल में, सॉल्युबल में नहीं है, किसमें है, इनसॉल्युबल पूल में। और प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड किसमें आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल में, और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या यहां तक हम कर सकते हैं, जल्दी बताएं, यहां तक हम कर सकते हैं? यस 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 यस, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक हम कर सकते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको चैट में देना पड़ेगा, ठीक है? लिपिड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मैक्रो लिख दो सर, सर माइक्रो है। लिपिड किसमें आएगा, एसिड सॉल्युबल में या इनसॉल्युबल में, ये भी लिख दो सर, एसिड इनसॉल्युबल में आएगा। कितने ऐसे हैं जो एसिड इनसॉल्युबल में है और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, तीन, ये रहे, एसिड इनसॉल्युबल और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल तीन, ठीक है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, किस क्या आएगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो क्वेश्चन आ सकता है ग्लाइसिन इज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, एसिड सॉल्युबल पूल, समझ में आ रहा है, एसिड सॉल्युबल पूल, ऑर्गेनिक, और ऑल आंसर आ जाएगा। यस यस यस, कॉन्सेप्ट क्लियर? इस टेबल में से क्या याद करना है, हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट मिनरल तब जब हम पानी को ले रहे हैं साथ में, नहीं तो सबसे ज्यादा कार्बन है। अगर हम क्या लेते हैं, फ्रेश वेट लेते हैं, पानी है तो ऑक्सीजन है, नहीं तो सबसे ज्यादा कार्बन है, क्लियर है? और ये हमारी एनसीईआरटी लिखती है 49% क्या है बेटा, कार्बन है, 49% क्या है, कार्बन है। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बता दो, एक बार जरा फटाफट से याद करेंगे ये वाला, एक मिनट लेके याद करेंगे साथ के साथ, जल्दी फास्ट फास्ट सारी स्लाइड याद करेंगे, जल्दी करो बेटा, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी याद करो, इसे याद करो जल्दी बेटा फास्ट। जल्दी फास्ट, एक सेकंड, दो पानी पी ले थोड़ा सा। रट गया सब, रट गया, जल्दी बताओ बेटा। चलिए अमीनो एसिड पे चले, चले अमीनो एसिड पे, जल्दी बताओ बेटा, चले अमीनो एसिड पे, चलिए एक सेकंड दो पानी पी लें दो बस थोड़ा सा।
चले बेटा, चलो आ जाओ। हाँ भाई, अमीनो एसिड में क्या क्या पढ़ना है पहले जरा क्वेश्चंस के थ्रू बात कर लेते हैं। तुम्हारे हिसाब से अमीनो एसिड्स में क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए, जल्दी बताओ। तुम्हारे हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए? हाँ भाई, मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगा मुझे बताना कि आपको अमीनो एसिड को लेकर वो समझ में आ रहा है, फिर क्वेश्चन देंगे। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी। पहले मेरी तरफ देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि सबसे पहले अमीनो एसिड को हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं, क्योंकि उसकी चारों वैलेंसी जो है ना हाइड्रोजन होता, तो हमने एक हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी चीजें हटा दी हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अमीनो एसिड किसमें आएगा? एसिड सॉल्यूबल पूल में। तीसरा, वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये याद रहेगा। मोस्ट अमीनो एसिड क्या होते हैं? लीवो रोटेटरी होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। यस, मोस्ट अमीनो एसिड क्या होते हैं? लीवो रोटेटरी होते हैं। कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अमीनो एसिड को, जो जो पॉइंट्स है सारा मैंने एक स्लाइड में लिखा है। क्या हम अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलेंगे? यस, क्योंकि उसके जो चार ग्रुप है ना, चार ग्रुप में एक हाइड्रोजन छोड़ी है, बाकी के चारों में एक इधर NH2 लगा दिया, इधर COH लगा दिया और इधर R लगा दिया। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल रहे हैं। मोस्ट अमीनो एसिड लीवो रोटेटरी होते हैं, किसको छोड़ के? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है मेरे पास, और क्या है? COH है। रुक जाइए, यहां पे गलत है, हमारे पास COH ग्रुप है, उसके अलावा बेटा NH2 है, और फिर मेरे पास R है। ये जो ग्रुप है ना, ये तीन कौन कौन से? COH, NH2, R, ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। ये एनसीईआरटी लिखती है, COH, NH2, R, ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। फिर हमको ये समझना है, देखो एक तो ये एसिड सोल्यूबल पूल में है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, और देखो ये लिखा हुआ है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी CH3, NH2, R, ये डिसाइड करते हैं। इतनी चीज एनसीईआरटी में लिखी है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्रोटीन बनाने वाले टोटल अमीनो एसिड हमारे पास 20 हैं। क्या क्या पॉइंट याद रखेगा मेरे? देख इधर देख ध्यान से बेटा, जो याद रखना है उसको सुन। एसिड सोल्यूबल पूल है, अमीनो एसिड यस, मॉलिक्यूलर वेट कम है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है यस यस। तीसरी चीज क्या है? अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली क्या? एक्टिव होते हैं, उसमें मेनली लीवो रोटेटरी। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि एच, एक और एच प्रेजेंट होता है। यस यस। अब मैंने क्या बोला बेटा? मैंने ये बोला है कि प्रोटीन बनाने वाले टोटल अमीनो एसिड एनसीईआरटी ने 20 दिए। कितने दिए? 20। अब इधर ध्यान दे, देख आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया, क्लासिफिकेशन करिए आपकी एनसीईआरटी ने। देखो यहां से क्वेश्चन आएगा, ये वाला पार्ट है जो ज्यादा क्वेश्चन देगा। बेसिक अमीनो एसिड का नाम है HLA, HLA, H की फुल फॉर्म हिस्टिडीन लाइसिन और आर्जिनिन। कर लोगे? हिस्टिडीन लाइसिन और आर्जिनिन, हिस्टिडीन लाइसिन और आर्जिनिन। अब इसमें एक और सवाल, लाइसिन और आर्जिनिन मुझे किसमें मिलते हैं? हिस्टोन्स में। ये दोनों मुझे किसमें मिलते हैं? सर ये दोनों मुझे मिलते हैं हिस्टोन्स में, ऐसे याद करना। तो बेसिक के एग्जाम्पल हो गए HLA, एक्स्ट्रा COH, उसके एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा कौन सा है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। मेरी बात सुने ध्यान से सारे बच्चे बेटा, हमारे पास अमीनो एसिड में एक COH ग्रुप है, एक NH2, एक R है। इस R ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा NH2 होगा तो अमीनो एसिड होगा बेसिक, एक्स्ट्रा COH होगा तो होगा एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एरोमेटिक का मतलब होता है जो बेटा एक तरीके से बेंजीन या रिंग जैसे कंपाउंड हो, उसमें एक आ जाएगा मेरे पास ट्रिप्टोफान। क्या आ जाएगा? ट्रिप्टोफान। दूसरा आ जाएगा फिनाइल एलानिन। आप देख बेटा PKU याद है तुझे? PKU के दोनों अमीनो एसिड एरोमेटिक है, फिनाइल एलानिन और उससे टायरोसिन। तो याद कर ले, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास एरोमेटिक है। OH ग्रुप किसमें किसमें होता है? OH ग्रुप मतलब, OH ग्रुप मतलब एक तो होगा थ्रियोनिन में, किसमें होगा? थ्रियोनिन में, और एक होगा सीरीन में, और एक होगा टायरोसिन में। आपने पढ़ा भी है कि फिनाइल एलानिन पे OH जोड़ के टायरोसिन बनता है। तो ये हो गए OH कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथ्योनिन और सिस्टीन। क्या याद करेगा? मिथ्योनिन और सिस्टीन। आपको यह याद करना है बेटा कि जब सिस्टीन बॉन्ड बना लेता है तो सिस्टाइन हो जाता है। हाइड्रोफोबिक,
हाइड्रोफोबिक मतलब जिसका जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप क्या हो जाएगा, आर ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, आर ग्रुप हो जाएगा आपका जो मिथाइल, इस तरीके से यस। तो जल्दी से देखेंगे तो हाइड्रोफोबिक में आ जाएगा ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। गावली पी याद कर लेना है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन। याद हो रहा है, एक बार मेरे साथ याद करेंगे, बेसिक याद कर ले। सबसे ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन आए हैं, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। लाइसिन आर्जिनिन कहां मिलता है, हिस्टोन्स में यस। दूसरा एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ओएच कंटेनिंग, टीटीएस, टायरोसिन, थ्रियोनिन, सीरीन, ओएच कंटेनिंग यस। उसके अलावा एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन है, ट्रिप्टोफान है, फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है यस और नो, यस 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 यस। और उसके अलावा सल्फर कंटेनिंग, मिथ्योनिन और सिस्टीन। सिस्टीन जब बॉन्ड बना लेता है तो सिस्टाइन कहते हैं, चेन के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिज बनाता है तो सिस्टाइन कहते हैं। यहां तक याद हो रहा है, जल्दी बताएं, यहां तक हो रहा है, जल्दी बताएं। आज तो भाई स्पैमर भर भर के आए, पढ़ ले यार, तू भी पढ़ ले, शायद कुछ भला हो जाए। जिन्होंने भेजा उन्होंने पैसे ना दिए, इधर ध्यान दे, आ जा। देख बेटा, देख तेरे सिलेबस में सिर्फ इन तीन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन में R इज इक्वल टू H है, एलानिन में R इज इक्वल टू क्या है, CH3 है, सीरीन में R इज इक्वल टू क्या है बेटा, बता, R इज इक्वल टू CH2OH है। ये याद कर सकता है, ये याद कर सकता है, जल्दी बता। ग्लाइसिन में R H है, एलानिन में R CH3 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन एक तो यहां से आ सकता है, एक बेसिक यहां से आएगा, एसिडिक आएगा और एरोमेटिक आएगा यस, और सल्फर कंटेनिंग पूछ सकता है, ये चार। उसके अलावा ये पूछ सकता है स्ट्रक्चर के हिसाब से यस यस यस। अब एक और क्लासिफिकेशन है बेटा हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, और ये क्लासिफिकेशन प्रोटीन वाले टॉपिक में लिखी हुई है। अमीनो एसिड को हम असेंशियल और नॉन असेंशियल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते। अगर कोई चीज हमारी बॉडी में नहीं बन सकती तो हम किस में खाएंगे सर, डाइट में खाएंगे। अगर कोई चीज हमारी बॉडी में नहीं बनेगी तो कैसे खाएगा सर, डाइट में खाएंगे। तो उन अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड यस। असेंशियल अमीनो एसिड हमने यहां पर अभी 10 लिखे हैं, अरवा, आर्जिनिन, हिल। देख आर्जिनिन, वैलिन, कैसे याद करेगा, शॉर्ट फॉर्म अरवा, हिल, MPTT, आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनियो। पी से मेरे पास दो अमीनो एसिड हो सकते हैं, फिनाइल एलानिन और प्रोलिन, लेकिन पीकेयू एक डिजीज हमने पढ़ी थी, फिनाइल एलानिन असेंशियल अमीनो एसिड होता है, उससे एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड बनता है टायरोसिन हमारी बॉडी में। तो असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी में बनते हैं, सॉरी हमारी बॉडी को चाहिए, नॉन असेंशियल हमारी बॉडी में बन जाते हैं एंजाइम के थ्रू। तो यहां पर जो फिनाइल एलानिन लिखा हुआ है ये असेंशियल है, तो इसका मतलब टायरोसिन नॉन असेंशियल है। तो अरवा, हिल, MPTT में 10 अमीनो एसिड दे दिए गए हैं, 10 अमीनो एसिड दे दिए गए हैं, पहले उनको समझ लो। उसमें से फिनाइल एलानिन असेंशियल है, टायरोसिन नॉन असेंशियल है यस यस। याद हो गया श्रुति? बच्चे तुझे पता नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं है, मैं इतनी जगह घुमा हूं बच्चों के बीच में, सब पूरा प्यार है, और जहां हम खड़े होते हैं वहां पर हर कोचिंग के बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर आपसे पढ़ रहे हैं। तो वो क्या उसका पेपर देने जाते हैं, UPSC का, नीट का ही देते होंगे ना, ठीक है। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर ध्यान देंगे, तो प्लीज पढ़ाई करो, आप बाकियों को छोड़ दो। देख बेटा, आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिर अब इसमें से मैं तीन अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं, ध्यान सुन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, मेरी बात समझ ध्यान से, इन तीनों को माइनस कर दे, कितने बच गए सर, 7 बच गए। उस 7 में खाली थ्रियोनिन ऐड कर दे, देख मेरी बात समझियो ध्यान से, ये जो 10 लिखे हैं मैंने किसके लिए लिखे हैं, इसमें से 10 जो मैंने लिखे हैं वो लिखे हैं किसके लिए, मतलब जो बच्चे, जो मतलब हमारे पास न्यू बॉर्न है, जो जो मतलब एथलीट्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके लिए लिखे हैं। इसमें से जो ये है हिस्टिडिन आर्जिनिन, जो है जो हिस्टिडिन आर्जिनिन है वो ह्यूमन में बेटा ऐसे नहीं होता, एडल्ट में नहीं होता। हिस्टिडिन आर्जिनिन को अगर मैं हटा दूं ना तो फिर वो एडल्ट में सिर्फ 8 रह जाएंगे, मेरी बात समझ ध्यान से। हिस्टिडिन और आर्जिनिन को मैं हटा दूं तो ह्यूमन एडल्ट में 8 रह जाएंगे। तो तुम्हें सिर्फ याद करनी है 10 नाम,
उसके अलावा ये याद करना है कि हिस्टिडिन आर्जिनिन अडल्ट में क्या है, अडल्ट में असेंशियल नहीं है, छोटे बच्चे में, एथलीट में, प्रेग्नेंट वुमेन में असेंशियल है। क्या कर सकते हैं, यस और नो, जल्दी बताओ, कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे सारे बच्चे, सब्स्टिट्यूटेड मिथेन याद हो गया, सब्स्टिट्यूटेड मिथेन याद हो गया सबको, यस सर। उसके बाद ये याद हो गया कि मोस्ट अमीनो एसिड लिवर रोटेटरी, ऑप्टिकली इनएक्टिव बताओ कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफान, कौन सी रिंग होती है, इंडोल रिंग होती है, ठीक है। उसके बाद बेसिक एचएलए हिस्टिडिन लाइसिन आर्जिनिन, एसिडिक एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, ओएच कंटेनिंग टीटीएस, यस, एरोमेटिक ट्रिप्टोफान फिनाइल एलेनिन टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन असेंशियल है तभी पीकेयू में, अगर पीकेयू नहीं है तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, अरवाहिल एमपीटीटी असेंशियल, उसमें से हिस्टिडिन आर्जिनिन हटा दे, ह्यूमन एडल्ट में 8 असेंशियल है, जो छोटा बच्चा हो गया प्रेग्नेंट उसमें 10 असेंशियल है, यस यस। क्या नॉन असेंशियल के नाम याद कर लिए, नहीं करने, नहीं करने, ये 10 याद है, बाकी के 10 नॉन असेंशियल हो गए, ये 10 याद है ना, बाकी के नॉन असेंशियल में रख दे, यस यस। उसके बाद फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कौन बदलता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन बनाता है कौन सा हार्मोन, बता बेटा, ये आएगा क्वेश्चन, सर T3 और T4 बनाता है, उसके अलावा मेलानिन बनाता है, उसके अलावा डोपामीन बनाता है, और उसके अलावा क्या बनाता है बेटा, क्या बनाता है, डोपामीन बनाता है, और क्या बनाता है, एड्रिनलीन बनाता है। आपने बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था स्टीरॉयड हार्मोन और थायरोक्सिन वालों का जो रिसेप्टर होता है सेल के अंदर होता है, नहीं, यस यस, ये अमीन है एक तरीके से। आ जाओ, सबसे पहले ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये पॉइंट आएगा। ट्रिप्टोफान ऑक्सिन बनाएगा, यस, क्या बनाएगा, ऑक्सिन बनाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। टायरोसिन क्या क्या देगा, ये लिखा हुआ, T3 T4 एड्रेनालिन मेलानिन डोपामिन। व्हाट इज ज्यूटेराइन, अब मेरी बात सुन ध्यान से, जब भी हम किसी अमीनो एसिड को पानी में डाल देते हैं तो उसका COH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों आयनाइज हो सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, अगर COH ग्रुप का प्रोटॉन पानी में चला जाए और एक प्रोटॉन NH2 के पास चला जाए तो यहां पर NH3 प्लस हो जाएगा और यहां पर CO माइनस हो जाएगा। तो ज्यूटेराइन क्या होता है, एक एम्फोटेरिक आयन होता है। अमीनो एसिड एक ऐसा आयन बनाते हैं पानी में कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बनाते हैं। और जिस पीएच पर वो ये आयन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, यस और नो, जल्दी बता दो बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच मतलब सेम चार्ज। क्या बोर्ड पे लिखा हुआ एक बार चेक कर लो, सारा याद हो रहा है कि नहीं, जल्दी कर बेटा। अरे यार तू तरुण भट्ट, मैं नंबर देता हूँ, फोन पे बात करियो, दे झापड़ दे बे। हाँ, तो तू जो कर रहा है वो मुझे पता, क्या कर रहा है, हाँ ठीक है, पढ़ ले। हाँ, क्या याद हो गया सबको, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, बच्चे नीट का पेपर देने आते हैं, इमोशन का पेपर देने आते हैं, हैं? नेशनल इमोशन टेस्ट हो रहा है क्या, पढ़ ले, जिसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने लिए पढ़ रहा है कि दूसरे के लिए पढ़ रहा है कोई गधा। हाँ, कोई टेस्ट हो रहा है क्या, नीट का पेपर हो रहा है ना, अकेला जाएगा हर एक आदमी, तो पढ़ाई पे ध्यान दे, समझ में आई नहीं तुझे अभी भी, टेंशन ना ले। इधर हो गया, अमीनो एसिड हो गया बेटा, यस यस यस। अब देख क्या होता है ना, अपने कोई काम करते हैं लोग उसको फिर फॉलो भी करते हैं, फिर उल्टा भी हम ही बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले करेंगे, ये हो गया, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। प्रोटीन पढ़े बेटा, अमीनो एसिड से एक क्वेश्चन आएगा, एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल से एक क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन पढ़ते हैं, जल्दी कर, जल्दी जल्दी, यस यस, याद हो गया, चैट में आंसर चाहिए मुझे, ऑक्सिन किस अमीनो एसिड से बनता है, चैट में आंसर,
सिंपलेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स याद कर लो, यस, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है ये याद कर लो, बेसिक एसिडिक याद कर लो, यस यस। चलिए आगे चलेंगे, आ जाओ प्रोटीन की बात करते हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या क्या पॉइंट्स बोले, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको हमेशा से बोलता हुआ आया हूं कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सेम नहीं होता, एनसीईआरटी लिखती है पर इस बात को कि पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन है, क्योंकि वो ये मानती है कि पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनती है। पर दिमाग में ये रखो कि व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। दूसरा, पॉलीपेप्टाइड को जब हम फोल्ड कर देते हैं, समझ में आ रहा है, जब हम फोल्ड कर देते हैं तो प्रोटीन बन जाती है, यस। तो चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और उसी से मेरे पास फिर बाद में प्रोटीन बनती है। अब आपको पहला सवाल आएगा कि जो प्रोटीन है वो हेटरोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है, क्या सेम चीजें रिपीट हो रही है? नहीं, अलग अलग चीज रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि प्रोटीन हेटरोपॉलीमर है। जब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मेरे दिमाग में तीन चीजें और आ रही हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड में होमोपॉलीमर होता है, मोस्टली होमो होते हैं, सेलुलोज स्टार्च ये होमोपॉलीमर है, प्रोटीन होमो है या हेट्रो, हेट्रो है, न्यूक्लिक एसिड होमो है या हेट्रो है, हेट्रो है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं वो हेट्रो है, प्रोटीन हम सॉरी हेट्रो है, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड में स्टार्च और सेलुलोज होमो है, याद हो रहा है वाला कॉन्सेप्ट, ये सर हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे हमारे पास क्या है बेटा, आगे हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी ने रोल ऑफ प्रोटीन की पूरी एक टेबल बना दी है। आपने क्या ध्यान रखना, उसने बहुत सारे रोल नहीं दिए, एनसीईआरटी ने रोल दिया है एज अ कैटलिस्ट, मतलब प्रोटीन एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है। तो उसका एग्जाम्पल उसने ट्रिप्सिन दिया है, हॉर्मोन का एग्जाम्पल इंसुलिन दिया है। अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज, वो किससे फाइट करती हैं, इंफेक्शन से, इंफेक्शन से फाइट करने वाली एंटीबॉडीज कौन सी प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन के लिए मेरे पास ग्लूट फोर क्या दे रखा है, ग्लूट फोर जो कि एक तरह का क्या है, चैनल है। और स्ट्रक्चरल में कोलेजन दे रखा है, मेरी बात सुन ध्यान से, जब आप बेटा आप कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो उसमें पढ़ाया जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं और सेल्स के बीच में धागे होते हैं, विच इज नोन एज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यस। तो हमारे पास कोलेजन जो है वो इंटरसेलुलर मटेरियल है, क्या है, इंटरसेलुलर मटेरियल है। तो तुम्हारे पास जो टेबल दे रखी है ना उसमें यही दे रखा है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अक्रॉस मेम्ब्रेन ग्लूट फोर ग्लूकोज का चैनल है, फाइट इंफेक्शन एंटीबॉडी, ब्लड में ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, हॉर्मोन इंसुलिन, कैटलिस्ट की तरह एंजाइम, स्ट्रक्चरल कोलेजन, क्लियर है, ये रोल दे रखे हैं, ये रोल एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा। मैंने पढ़ी है एनसीईआरटी, तूने पढ़ी है, तो नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, नीट देना है, बाकी कुछ नहीं। आ जा, अब आओ बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, बेटा पूरा फोकस कर, मैं इस पे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आप डाइवर्ट हो रहे हो, माफी चाहूंगा, है ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है। फिर दोबारा सुन मेरी बात, व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, मैं तेरे से कुछ सवाल पूछूंगा, देख अब हमें क्या करना है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरी, एक पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी का जहां पर उसने क्लियरली बताया है कि जब आप बात करते हो किसमें, मान लो नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर मान लो हम बात कर सकते हैं 2 डिग्री की, ऑर्गेनिक में मतलब सॉरी 1 डिग्री की, ऑर्गेनिक में आप 2 डिग्री की बात कर सकते हो, फिजिक्स में 3 डायमेंशन होती है XYZ, कह रहा बायो में क्वार्टनरी तक बात करते हैं, ऐसे ही लिखे, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा, प्रोटीन के हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वार्टनरी। रूल ये है कि यदि कोई प्रोटीन 1 डिग्री में फंक्शनल है तो 2 डिग्री नहीं बनाएगी, अगर 2 डिग्री में काम कर रही है तो टर्शरी नहीं बनाएगी, क्लियर है, यस और नो, यस सर। अब हमें ये देखना है कि 1 डिग्री जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, जिसको कौन डिसाइड करता है, डीएनए, ये कौन डिसाइड करता है, डीएनए। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसे 1 डिग्री कहते हैं, जिसमें हमारे पास, ध्यान से सुन बेटा, अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड हैं, अगर मेरे पास 5 अमीनो एसिड हैं तो मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड 4 होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 4 होंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 1 डिग्री का जो बॉन्ड है, 1 डिग्री का जो बॉन्ड है, मेरी बात सुन,
वो मेरे पास पेप्टाइड है। मित्र को आज एक ऐसी बात बता रहा हूं जो तुमको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, पर रियलिटी में बताऊंगा, वो रियल में ये है। ध्यान सुन, एग्जांपल अभी छोड़ता हूं। 2 डिग्री में मेरे पास ये एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल, ये ऐसे घूम गई है, और यहां पर तेरे पास एच बॉन्ड है, यहां पर तेरे पास क्या है, एच बॉन्ड है। ऐसे ही ये मेरे पास 2 डिग्री है, यहां पर एच बॉन्ड है। इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स और इसको कहते हैं बीटा शीट। यस, और 2 डिग्री में अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो पेप्टाइड भी होगा और कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यस और नो? यस। 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में ये ऐसे घूम गई है प्रोटीन, मतलब अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट हो गया। यस, इस तरीके से और ज्यादा घूम गया, मतलब और ज्यादा कंप्रेस टाइप से हो गई है। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे? सर पेप्टाइड होगा, हां होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हां होगा। इसके अलावा बेटा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, मतलब नॉन पोलर अमीनो एसिड वो इंटरेक्ट करेंगे, उसके अलावा आयनिक इंटरेक्शन होगा और वंडर वॉल होगा। ये सारी फोर्सेस किस में होगी? 3 डिग्री में, और एक फाइनल शेप आएगी। क्लियर है? तेरे एनसीईआरटी ने ना इसका एग्जांपल दिया है ना इसका दिया है, सिर्फ इसका एग्जांपल में वो एंजाइम की बात कर सकता है, पर पुरानी बुक्स में कभी हमने पढ़ाया ऑफलाइन में तो हम मायोग्लोबिन लिखवा देते थे, पर क्या नीट में मैं एक्सपेक्ट करूं? नहीं आएगा। होता क्या है कि क्योंकि हम मान लो कोचिंग के बड़े मास्टर को खुद को दिखाते हैं लोग, तो क्या करते हैं वो, इसके भी एग्जाम्पल मैं भी लिखवाता हूं, ऐसा नहीं है जब मैं लंबे कोर्स में पढ़ा रहा हूं, पर ये टाइम नहीं है कि जहां पर मैं तुझे ये बात बोलूं। तो तू ये छोड़ सकता है, ये छोड़ सकता है, इसमें तू एंजाइम याद कर ले। और क्वार्टनरी में क्या है बेटा, ये सब यूनिट है। ये क्या है? सब यूनिट है। किसकी सब यूनिट है? 3 डिग्री की। इसका एग्जाम्पल तेरे पास हेमोग्लोबिन दे रखा है। क्या दे रखा है? हेमोग्लोबिन दे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुझे बॉन्ड पता होने चाहिए केमिस्ट्री के हिसाब से, 2 डिग्री पता होना चाहिए, 3 डिग्री पता होना चाहिए, क्वार्टनरी। समझ में आ रहा है बच्चे? क्वार्टनरी, यस यस, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस। तो तुझे क्या पता होना चाहिए? हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा सब यूनिट है और 2 बीटा है, साथ में हीम लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या क्या याद किया? प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, याद हो जाएगा ये पॉइंट। यस, प्राइमरी में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड, और वो क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। टर्शियरी में कई बॉन्ड होते हैं, आयनिक, हाइड्रोफोबिक, वंडर वॉल। क्वार्टनरी में सब यूनिट्स होती है 3 डिग्री की, जो आपस में जुड़ती है, क्वार्टनरी बनाती है। क्लियर है? यस। अब मैं जो बात बोलूंगा बेटा, अब तेरे को छोटे छोटे पॉइंट है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली प्रोटीन मेरे पास कौन है? रूबिस्को। और एनिमल में कौन है? सर कोलेजन है। एनिमल में कौन है? सर कोलेजन है। यस और नो? अच्छा, अगर 1 डिग्री फंक्शनल है तो नॉट फॉर्म 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। अगर कोई प्रोटीन 1 डिग्री में फंक्शनल है तो 2 डिग्री नहीं बनाएगा। ग्लोबुलर का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो जनरली 3 डिग्री और 4 डिग्री होती है। फाइब्रस का मतलब होता है इलोंगेटेड, लंबी प्रोटीन। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर तक जाता है उसका, क्वार्टनरी भी जा सकता है। डीनेचुरेशन केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि फंक्शन लॉस हो गया प्रोटीन का, काम लॉस हो गया, लेकिन डीनेचुरेशन में कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता? सर पेप्टाइड नहीं टूटता। कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता? पेप्टाइड नहीं टूटता। डीनेचुरेशन अकर बाई चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। आप प्रोटीन का टेम्परेचर और पीएच बदलकर उसे डीनेचर कर सकते हो। स्लाइड में लिखी हुई बातों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ भाई, याद हुआ? याद हुआ? जल्दी जल्दी फास्ट यार, आप दूसरे से डिस्ट्रैक्ट ना होना यार, वो पढ़ने वाला नहीं है, उसको भेजा गया, आप अपनी पढ़ाई करो। यस यस, ठीक है। यस, तो हमने अमीनो एसिड याद कर लिया। अमीनो एसिड में सिंपलेस्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बेसिक, एसिडिक, याद हो रहा है? याद हो रहा है? ज्यूटेराइन, एम्फोटेरिक, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे बनता है, अरवाहिल, एमपीटीटी। यस, ऐसे ही प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। यस, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। 4 डिग्री का एग्जांपल हेमोग्लोबिन, याद हो रहा है? यस यस यस। उसके बाद हमें यह याद हो रहा है कि डीनेचुरेशन में सारे बॉन्ड टूटते, कौन सा नहीं टूटता? पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। यस, ये याद हो रहा हमने। ग्लोबुलर मतलब गोल सी प्रोटीन होती है, 3 डिग्री, क्वार्टनरी, वाटर सोल्युबल होता है। फाइब्रस प्रोटीन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। यस यस। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को है और एनिमल में कोलेजन है। अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट क्या है? रूबिस्को है। यस, हो गया जल्दी।
थ्री डिग्री में डाई सल्फाइड भी होंगे, मैंने लिखा नहीं है याद कर लो, पर होना चाहिए बेटा। टू डिग्री में भी हो सकते हैं डाई सल्फ, सॉरी वन डिग्री वाली में भी बना सकते हो आप, लेकिन नॉर्मली थ्री डिग्री में बनाते हैं। सर वन डिग्री में कहां बनाओगे इंसुलिन में, इसलिए कह रहा हूं परेशान मत हो, ये सब डाटा नहीं, जो उल्टा सीधा डाटा हम लोग कई बार लिखवा भी देते हैं, हम भी लिखवा देते हैं, ऐसा नहीं है, जब हम लंबे कोर्सेज पढ़ाते हैं। अभी मुझे बताओ बोर्ड पे लिखा हुआ याद हो गया, क्लियर है, बोर्ड पे लिखा हुआ याद हो गया, जल्दी बताओ बोर्ड पे लिखा हुआ याद हो गया, सारा याद हो गया। क्या हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चल सकते हैं, क्या हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चल सकते हैं, जल्दी बताओ। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे किसकी बेटा, न्यूक्लिक एसिड की, फिर सबसे लास्ट में एंजाइम्स की। चले चले भाई चले, चले क्या चले, आ जा अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, पूरा फोकस मेरी तरफ देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा, पूरा पूरा फोकस एक बार जरा फिर से दिल विल बना दो, ताकि नलायक को कुछ पता तो चले। चलो बनाओ, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है आ जाओ चले। जो जो मैं बताऊंगा उन पॉइंट्स पे पूरा फोकस करेंगे, ताकि आपको सारा समझ में आए। यस यस, चलिए शानदार, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह की परिभाषा है। पहली डेफिनेशन है दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो ओल्ड डेफिनेशन है। नई डेफिनेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें पॉली, पॉली मतलब बहुत सारा OH ग्रुप होता है, या तो उसके साथ कीटोन होता है या एल्डिहाइड होता है। ये देख बेटा, ये तेरे पास एल्डिहाइड है, इसके साथ एक से ज्यादा OH ग्रुप है, इसे कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। कार्बन का वो कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा OH, बेटा फोकस कर प्लीज, फोकस कर, उसको छोड़ दो प्लीज, मेरी तरफ देखो बस, एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, या तो कीटोन या एल्डिहाइड हो, उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। अब आ जाओ जरा, नंबर ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में तीन से लेकर सात तक हो सकते हैं। कितने से लेकर बेटा, तीन से लेकर सात तक हो सकते हैं। इसमें आप सवाल पूछ सकते हो, सर स्टार्च में तो बहुत सारे होते हैं, मैं बात कर रहा हूं मोनोसैकेराइड की, मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। तो किसी भी मोनोसैकेराइड में तीन से लेकर सात कार्बन तक हो सकते हैं। सवाल यह है क्या कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यस यस, और मोस्टली डेक्स्ट्रो होते हैं, मोस्टली डी होते हैं, डेक्स्ट्रो लिखता हूं यहां पे मैं, मोस्टली डेक्स्ट्रो होते हैं, फ्रक्टोज लीवो है। क्या याद रखेगा, फ्रक्टोज क्या है, लीवो है मेरे पास, ठीक है। अब क्या है बेटा, हमने यहां पर बोला या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो जो कीटोन जिसमें होता है उसे कीटोज कहते हैं, उसकी एग्जाम्पल राइब्यूलोज है। मुझे चैट में बताओ कि राइब्यूलोज तुमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, राइब्यूलोज नाम की शुगर कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, चैट में बताओ जल्दी से, चैट में बताओ राइब्यूलोज कहां पढ़ा था, RUBP। तो राइब्यूलोज जो है वो कीटोज है, फ्रक्टोज कीटोज है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये मैंने कहां पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस में। तो ये ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा, ये ग्लाइकोलिसिस में, ये C3 साइकिल में। तो ये सब क्या है, कीटोन वाले हैं। एल्डिहाइड ग्रुप किसमें होता है, पागल में, PGAL में, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों में एल्डोज है, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज। अब तुमने मैनोज तो पढ़ा नहीं है, पर क्या तुमने ये पढ़ा है कि मैनिटॉल नाम से कुछ होता है। देख मेरी बात सुन, ये शुगर है, शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है, यस सर, एल्डिहाइड की रिडक्शन, इतनी तो ऑर्गेनिक अपतु जाती है, एल्डिहाइड की रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो मैनोज एक शुगर है, उसकी रिडक्शन कर दे, मैनिटॉल, मैनिटॉल कहां पढ़ा था सर, मैनिटॉल पढ़ा हमने ब्राउन एल्गी में, यस 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 यस, हमने कहां पढ़ा, ब्राउन एल्गी में, यस। तो मेनोस, मेनोस, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सब क्या है, एल्डोज हैं, ये सब क्या है, कीटोज। तो एल्डोज और कीटोज का केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा, बायो में नहीं आने का। दूसरा, शुगर क्या होती है, जो मीठी होती है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये सब मीठे होते हैं, इन्हें स्वीट इन टेस्ट कहते हैं, शुगर होते हैं, मीठे होते हैं। और जो मीठे नहीं होते, जो मीठे नहीं होते वो पॉलीसेक्राइड होते हैं, स्टार्च मीठा नहीं होता, वो शुगर नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं
क्या सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं? नहीं, स्टार्च सेलुलोज शुगर नहीं है पर कार्बोहाइड्रेट है, यस और नो? यस और नो? तो मोनोसैकेराइड और डायसैकेराइड नॉर्मली मीठे होते हैं। अब यहां पर एक कहेगा सर सबसे मीठे वाला क्वेश्चन आ सकता है, नहीं, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड नॉर्मली मीठे होते हैं और नॉन शुगर कौन से होते हैं? मेरे पास पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो मैंने क्या याद कर लिया, सबसे पहले याद करेंगे कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन पुरानी परिभाषा है, नई परिभाषा कहती है कार्बन का वो कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप हो और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। मेरे पास 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक बनते हैं, मोस्टली शुगर डेक्स्ट्रो होते हैं पर मेरे पास फ्रक्टोज एक लीवो रोटेटरी है, कीटोज के एग्जाम्पल फ्रक्टोज डाइहैप और मैं क्या कर सकता हूं राइब्यूलोज, एल्डोज के एग्जाम्पल ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज उसके अलावा राइबोज, ये मेरे पास किसके एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ, क्लियर है? अब आ जाओ, अब मैं आपसे कहूंगा कि एक बार कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ बनाओगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी केमिस्ट्री का। सबसे पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं, पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए आपका, पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए, CH2OH, H, H, OH, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, यस सर, ऐसे ही सेम इसको बना लिया, CH2OH, H, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, H यहां OH ऐसे। अब मैं जो करने जा रहा हूं उस पर ध्यान दियो, अगर मैं OH ऊपर बना दूं और H नीचे बना दूं, देख रहे हैं यहां पर ये नीचे से ऊपर चला गया, इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज, क्या बोलेगा? बीटा डी ग्लूकोज, यस यस। अब इसमें क्या हुआ, OH नीचे ही रह गया, H ऊपर चला गया, मतलब जैसे नीचे ऐसे यहां पे रह गया, ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। तो आपको ये समझना है कि अल्फा और बीटा में यहां इस वाली कार्बन पर फर्क है, कौन सी कार्बन है सर? फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो इस फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे था, ऐसे ऊपर चला गया, ट्रेंड के अनुसार चला, बीटा डी ग्लूकोज अगेंस्ट ट्रेंड गया, मतलब OH को ऊपर आना था, यहां पर नीचे आ गया, अगेंस्ट ट्रेंड गया अल्फा डी ग्लूकोज। और ये जो है, ये अल्फा और बीटा आपस में क्या होते हैं बेटा? एनोमर होते हैं। ये वाली जो कार्बन है इस पर बदलने से अल्फा बीटा बनता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये आपस में क्या है, उसमें चेंज कहां पर है? कार्बोनिल कार्बन पर, C1 पर। इन्हें आपस में एनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर कहते हैं। अब इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, ये थोड़ा अपने केमिस्ट्री में घुस गए जानबूझ के, ताकि वो वाला पार्ट भी आपको यहीं करा दे। अब ये एनोमर हो गया, अब क्या कर बेटा, बिल्कुल सेम बना ले, जैसा यहां बना है बिल्कुल सेम बना दे, बस ये जो C4 है ना यहां बदल दे, इसको OH और H कर दे, ये C4 को, ऐसे ही C4 को OH और H कर दे। देख मेरी बात समझ, मैंने क्या किया, इसके जैसा बिल्कुल सेम बनाया, सिर्फ किसको बदला? C4 को, यस। तो मेरे को यह समझना है कि ये मेरे पास बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क है? C4 पे फर्क होता है। ऐसे ये क्या बनेगा? अल्फा डी गैलेक्टोज बनेगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज, देख मेरी बात समझ ध्यान से, यहां पर ये OH नीचे ही आएगा, H ऊपर आएगा, मैंने फर्क कहां लाना है? सिर्फ यहां पर, कौन सी कार्बन है? 4, कौन सी कार्बन है? 4 पे। तो आपको समझना है कि बीटा डी और अल्फा डी गैलेक्टोज आपस में क्या है सर? एनोमर है, यस। लेकिन अगर C1, ये वाली कार्बन कौन सी है? कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब CHO वाली कार्बन है, इसमें और इसमें अगर फर्क हो तो इन्हें आपस में क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आपस में एपीमर। याद कर लोगे? तो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, एपीमर। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी, ये क्या है? एपीमर है। ये और ये क्या है? एनोमर है। ये और ये क्या है? एनोमर है, यस। फ्रक्टोज का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते वक्त यहां से स्टार्ट करना है CH2OH, नीचे एच, ओ एच एच, ओ एच एच। अगर OH नीचे आ जाए, ऊपर CH2OH आ जाए, ये अल्फा डी फ्रक्टोज है। क्या है? अल्फा डी फ्रक्टोज। और बीटा डी फ्रक्टोज में OH ऊपर आएगा, CH2OH नीचे आएगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बताना, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये यहां पर फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में
ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पर घूम रहा है अल्फा बीटा के लिए, देखिए ग्लूको ये गैलेक्टोज में फर्स्ट पे घूम रहा है, यहां घूम रहा है, इन दोनों में कहां अंतर है, फर्स्ट पे, इन दोनों में भी फर्स्ट पे। तो आपको ये समझना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सीवन कार्बन जो है वो कौन सी कार्बन है, एनोमेरिक, लेकिन फ्रक्टोज में सी टू कार्बन होती है, कौन सी, सी टू कार्बन पर मेरे पास क्या बनता है, एनोमेरिक, एनोमेरिक बनता है। आइसोमर कौन है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एनोमर कौन है, अल्फा डी एंड बीटा डी। एपिमर कौन है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में क्या है, एपिमर है। क्या ये वाला याद कर सकते हो, क्या ये वाला याद कर सकते हो, यस, ध्यान से सुन, अगर कार्बोनिल कार्बन पर ग्लूकोज और देख दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, चेंज कहां है सर, सीवन पे, अल्फा और बीटा आपस में क्या है, एनोमर है, ये बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा कहां चेंज है, सीवन पे, लेकिन इसका और इसका कहां चेंज है सर, सी फोर पे, दीज आर एपिमर, यस। आइसोमर मतलब पूरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज है। अब देख फ्रक्टोज में ये पहली कार्बन है तो सेकेंड कार्बन पर घूम रहा है, तो फ्रक्टोज की कार्बोनिल कार्बन कौन सी है, कौन सी है, सी टू है, यस। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्रक्टोज कौन सी शुगर है, कीटोज, और कीटोज कभी भी आखिरी नंबर पर नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है, यस 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 यस। चैट में बता दो, यहां पे क्लियर है, चैट में बता दो, मेरे साथ याद करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज एपीमर है, कौन सी कार्बन में फर्क है, चौथी कार्बन पर, फोर्थ कार्बन पे, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज कौन सी कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, क्या है, एनोमर है, अल्फा डी गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज फर्स्ट कार्बन पर फर्क है, एनोमर है, यस यस यस, याद हो गया, जल्दी बताओ, यस 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 यस, जल्दी बताओ फास्ट, चलो बढ़िया आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं बेटा, हमारे पास यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, व्हाट आर मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वो है जिनकी हाइड्रोलिसिस अपने नहीं, जो हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, मतलब जिसको मैं तोड़ नहीं सकता, जैसे ग्लूकोज को मैं आगे नहीं तोड़ सकता, मैं अगर आपसे पूछूं कि डाइजेशन किनका नहीं होगा, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, तो डाइजेशन उसका नहीं होगा जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, इनका डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, यस और नो। तो मोनोसैकेराइड वो हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, मोनोसैकेराइड पांच छह कार्बन में कौन कौन है सर, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, पांच कार्बन में कौन है सर, राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज है, इन्हें अपने ने क्या नाम दिया, मोनोसैकेराइड का नाम दिया, यस। अब जरा समझो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं डायसैकेराइड की, डायसैकेराइड में तुम्हारे सिलेबस में तीन है जो याद रखने हैं, अगर मैं ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ूंगा तो माल्टोज बनता है, क्या बनता है, माल्टोज, गैलेक्टोज को ग्लूकोज से जोड़ूंगा तो लैक्टोज बनता है, और ग्लूकोज को फ्रक्टोज से जोड़ूंगा तो सुक्रोज बनता है। सर ये याद कैसे होगा, मैं समझाता हूं, देख ध्यान से सुन, सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा कि मुझे ग्लूकोज रखना है अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी क्या है सर, अल्फा डी ग्लूकोज है, यस और नो, ये इसकी इधर फोर्थ कार्बन है, इधर कौन सी कार्बन है, फर्स्ट, ऐसे इसकी ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, मैंने फर्स्ट को फोर्थ से जोड़कर यहां पर बॉन्ड बना दिया, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक, कौन सा नाम है, ग्लाइकोसिडिक, पूरा नाम हम रख रहे हैं इसमें अल्फा, मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा 1,4 लिंकेज, यस। अब लैक्टोज में क्या किया, गैलेक्टोज ले लिया, गैलेक्टोज का ये फर्स्ट कार्बन है, इधर कौन सा होता है सर, फोर्थ, ग्लूकोज का इधर फर्स्ट है, इधर फोर्थ, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज की फोर्थ कार्बन से जोड़ दिया, तो क्या बन गया, लैक्टोज, तो लैक्टोज में लिंकेज कौन सा, ये कौन सा गैलेक्टोज था सर, बीटा डी गैलेक्टोज था, यस, ये कौन सा ग्लूकोज था सर, बीटा डी ग्लूकोज रख लो, तो लिंकेज क्या बन गई, बीटा 1,4 बन गई। और अगर मैं बात करता हूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज में मैंने यहां रखना है अल्फा डी ग्लूकोज, जब मैं अल्फा डी ग्लूकोज रखता हूं, अगर आपको यहां पर स्ट्रक्चर ध्यान आए, अल्फा डी ग्लूकोज में OH देख नीचे है, OH नीचे की तरफ है, मुझे इसलिए अल्फा रखना है क्योंकि मुझे ग्लूकोज ऊपर रखना है, उसे नीचे बॉन्ड बनाना है, तो मैंने क्या किया, अल्फा डी ग्लूकोज रखा, इसका OH नीचे था, फिर मुझे ऐसा रखना है जिसका OH ऊपर हो, फ्रक्टोज,
तो इधर डायग्राम में देख, यहां पे कौन से फ्रक्टोज का, ये अल्फा था, बीटा वाले फ्रक्टोज का मेरे पास OH ऊपर है, ये रहा। तो मैंने क्या किया बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज रखा, उनके बीच में बॉन्ड बना दिया। ये इसकी फर्स्ट कार्बन है, इसकी सेकंड कार्बन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अल्फा कौन सा यूज हुआ है, वन, और सेकंड यूज हुआ है बीटा का, किसका, फ्रक्टोज का, यहां पर ग्लूकोज यूज हुआ है, ये बॉन्ड है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि मेरे पास सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। आप हमेशा याद रखो कि जैसे मैंने ये शुगर्स बना रखी है, इसकी ये जो C1 कार्बन है, ये वाली या ये वाली, ये जो C1 कार्बन है, क्या इसने अभी किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है, नहीं बना रखा। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिनकी CHO कार्बन या कार्बोनिल कार्बन बोल देते हैं, कीटोन भी ले लेते हैं, रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिनकी जिसकी कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड नहीं बनाती। जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज, वो यहां पर फ्री है, मतलब रिंग बना रखी है, वैसे फ्री है, रिंग बना रखी है पर फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। तो जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज या राइबोज, ये सब ये रिड्यूसिंग होते हैं। अब इधर देखो, डायसेक्राइड की बात करते हैं। डायसेक्राइड में ये फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, ये फ्री है, किसकी, ये कौन है बेटा, माल्टोज है। ये कौन है, लैक्टोज है। तो लैक्टोज की भी फर्स्ट कार्बन फ्री है, लेकिन जब आप सुक्रोज देखोगे, उसकी ये फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल थी और ये सेकंड कार्बन कार्बोनिल थी, इसने बॉन्ड बना लिया। वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि उसकी कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाती है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा। तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है, गैलेक्टोज रिड्यूसिंग है, माल्टोज रिड्यूसिंग है, यस, लैक्टोज रिड्यूसिंग है, लेकिन जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और उसके साथ साथ उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको जब तोड़ते हैं ना एंजाइम से, तो म्यूटा रोटेशन उल्टी आती है। मान लो वो डेक्स्ट्रो है तो सॉल्यूशन लीवो आ जाता है। यस यस यस, जल्दी बताओ, जल्दी 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 फास्ट, एक बार रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिपीट करो ताकि चीजें याद हो जाए। आ जाओ, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन डेफिनेशन पुरानी नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। कितने कार्बन होते हैं सर, 3 से 7 होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, यस, मोस्टली डेक्स्ट्रो, सुक्रो फ्रक्टोज लीवो है। एल्डोज के एग्जांपल, पीजीएल राइबोज ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, कीटोज डाई है राइबुलोज फ्रक्टोज। अब आ जाओ, शुगर स्वीट इन टेस्ट, मोनोसेक्राइड डाई, तो क्या ये सारे स्वीट है, यस, अगले पेज वाले स्वीट है, यस, नॉन शुगर पॉलीसेक्राइड। अब आओ, गैलेक्टोज और ग्लूकोज एपीमर, किस में फर्क है, C4 पे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है, एक में पायरान रिंग है, एक में फ्यूरान रिंग है, यस। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, फर्क किस पे, C1 पे, एनोमरिक कार्बन। अल्फा डी गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज, C1 पे फर्क है आपस में, एनोमरिक कार्बन। जब मैं ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ता हूं, अल्फा 1-4 लिंकेज, माल्टोज। गैलेक्टोज को ग्लूकोज से जोड़ता हूं, गैलेक्टोज बीटा वाला, ग्लूकोज से जोड़ता हूं, लैक्टोज। ऊपर रखूंगा कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, ताकि OH नीचे आए, बीटा डी फ्रक्टोज नीचे रखूंगा, OH ऊपर आए, जुड़ जाएंगे दोनों की एनोमरिक कार्बन, कार्बोनिल कार्बन क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, बाकी के सारे रिड्यूसिंग। याद हो गया, उत्कर्ष रिपीट भी कर दिया, यस यस, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो, इसके नोट्स भेजूंगा ना अभी क्लास के बाद। आ जाओ, क्या हम पॉलीसेक्राइड पे आ सकते हैं, तो मैं अगर आपसे बोलूं क्या सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं, ट्रू और फॉल्स, चैट में बताओ, क्वेश्चन करते हैं, अरे चैट में क्वेश्चन करेंगे ना, सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होंगे, ट्रू और फॉल्स, यस ट्रू। सारे डायसेक्राइड रिड्यूसिंग होंगे, फॉल्स। कौन सा डायसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग है, कौन सा, सुक्रोज। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, असर्शन रीजन, कार्बोनिल कार्बन ऑफ सुक्रोज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, यस, जल्दी बता दो बेटा, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आओ, फटाफट से पॉलीसेक्राइड पढ़ते हैं। अब देख, ध्यान से सुन, पॉलीसेक्राइड मोस्टली होमोपॉलीमर है, पेप्टाइडोग्लाइकन को छोड़ के,
पॉलीसेक्राइड दो प्रकार के हैं बेटा, जो मैं याद कर रहा हूं उसमें ही आएगा क्वेश्चन, मुझे पता है। पॉलीसेक्राइड दो तरीके के हैं, एक हमारे पास स्टोरेज होता है। स्टोरेज के तीन नाम याद करने हैं, पहला स्टार्च, दूसरा इन्यूलिन, तीसरा ग्लाइकोजन। इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? फ्रक्टोज का। अब हम स्टार्च को जरा समझेंगे, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरे पास अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, तो यहां इसका कौन सा एंड होगा बता बेटा? यहां इसका फोर एंड होगा, यहां फर्स्ट होगा, यहां फोर होगा, तो ये 1-4 लिंकेज हो गई अल्फा, ये अल्फा 1-4 लिंकेज हो गई, और ये वाली होगी अल्फा 1-6। 1-6 कैसे? यहां पर इसका 1 है और यहां पर इसका 6 है। यस, तो जब आप स्टार्च को देखते हो तो वहां पर स्टार्च क्या होता है बेटा? किसका पॉलीमर होता है स्टार्च? अल्फा डी ग्लूकोज का। मैं लिख देता हूं बच्चे यहां पर, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है मैं बताता हूं। पॉलीमर किसका है? स्टार्च किसका पॉलीमर है सर? अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका है? अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज में ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा, तो लिंकेज अल्फा 1-4, ये अल्फा डी, अल्फा डी, अल्फा 1-4, समझ में आ रहा है बेटा? अल्फा 1-4 देखता चल, ये अल्फा 1-4, लेकिन यहां पर ये ब्रांच हो गई, इसको कह रहे हैं अल्फा 1-6। तो स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज में अल्फा 1-4, अल्फा 1-4, अल्फा 1-6 लिंकेज है, अल्फा 1-4, अल्फा 1-4, अल्फा 1-4, अल्फा 1-4, और ये अल्फा 1-6 लिंकेज है। अब मैं जो आपको बात बोल रहा हूं, ये हमारे पास जो है इसको हम बोलते हैं अमाइलोज, अमाइलोज जिसमें सिर्फ अल्फा 1-4 लिंकेज होती है। कौन सी होती है? अल्फा 1-4 होती है। ये कितने परसेंट स्टार्च का होता है? 20%। अमाइलोपेक्टिन 80% होता है स्टार्च का, उसमें अल्फा 1-4 लिंकेज होती है और अल्फा 1-6 होती है। यस, और ये इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलता नहीं है, ये वाला सॉल्युबल होता है। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से सुनेंगे। स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, इन्यूलिन एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजन एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च में मेरे पास दो हिस्से होते हैं, इसको अमाइलोज कहते हैं और इतने वाले को अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो कितने परसेंट होता है? 20% होता है। दूसरा वो क्या करता है बेटा? अल्फा 1-4 लिंकेज है। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1-4 और 1-6 है। आप ध्यान से देखिए बेटा, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1-6 और अल्फा 1-4 दोनों तरह की लिंकेज है। दूसरी बात, ग्लाइकोजन बिल्कुल स्टार जैसा होता है, पर अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे जल्दी जल्दी ब्रांच हो रहा है, तो ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच होता है, ज्यादा ब्रांच होता है देन स्टार्च। और किससे सिमिलर है? अगर मैं अमाइलोज वाला पार्ट हटा दूं तो ऐसा है ग्लाइकोजन, तो किसके सिमिलर होता है? सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन होता है। तो नीट में क्या क्या यहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर करो, याद हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्च का मोनोमर बताओ, स्टार्च का मोनोमर बताओ, जल्दी बता बेटा, स्टार्च का मोनोमर बता जल्दी से। सर अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च में कौन कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1-4 और अल्फा 6, याद कर मेरे साथ, अल्फा 1-4 और अल्फा 1-6, दो चीजें हो गई। स्टार्च में क्या क्या होता है? सर अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। कौन वाटर सोल्यूबल है जल्दी बता, कौन वाटर सोल्यूबल है? अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च? दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के बने हैं, ट्रू। डिफरेंस क्या है? ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच होता है, किसके जैसा है? अमाइलोपेक्टिन जैसा है। ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच होता है। अब क्या होता है, जो अमाइलोज वाला पार्ट है वो ऐसे घूम जाता है, हेलिक्स बना लेता है, उसमें आयोडीन पड़ जाता, फंस जाता है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में से आयोडीन के साथ टेस्ट कौन देता है, अमाइलोज देगा। कौन देगा बेटा? अमाइलोज देगा। यस और नो? कौन देगा? अमाइलोज देगा। एक बार रिपीट करूं फिर से, स्टार्च स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च होमोपॉलीमर है, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बना है, अल्फा डी ग्लूकोज में 1-4 लिंकेज है, फिर 1-6 पर ब्रांचिंग है, इसलिए स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं तो माल्टोज बनता है। यस, स्टार्च में दो पार्ट है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज हेलिक्स बनाता है, उसमें आयोडीन फंस जाता है जिससे ब्लू ब्लैक कलर आता है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में मोनोमर सेम है। कौन मोनोमर? अल्फा डी ग्लूकोज। फर्क क्या है? ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच। अब मुझे बताओ कौन सी रेड एल्गी में कंपाउंड दे रखा था स्टोरेज का विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन?
क्यों सिमिलर बोला था? क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, अल्फा 1416 ब्रांच ज्यादा है, सेम इज अमाइलोपेक्टिन। उस स्टोरेज प्रोडक्ट का नाम लिख चैट में, जल्दी बता बेटा, स्टोरेज, यस स्टोरेज प्रोडक्ट बता जल्दी से। फ्लोरिडियन स्टार्च, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फ्लोरिडियन स्टार्च बहुत बढ़िया। तो ये लिखी है लाइन, एनसीईआरटी ने लिखी है कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। बेटा अमाइलोपेक्टिन नहीं देगा तो ग्लाइकोजन भी ब्लू ब्लैक नहीं देता, हल्का सा रेडिश कलर आता है। तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड कौन कौन सा है तेरे सिलेबस में? इन्यूलिन, स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है बता? स्टार्च ग्लाइकोजन। तुम्हें पता है गैलेक्टोज का पॉलीमर अगार होता है, पर तेरे सिलेबस में नहीं लिखी हुई बात तो छोड़ सकते हैं, आगे आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल में बेटा तीन है मेरे पास, सेलुलोज काइटिन पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेलुलोज काइटिन पेप्टाइडोग्लाइकेन में कॉमन बॉन्डिंग होती है बीटा वन फोर। इधर देख, मेरी तरफ देख, ये मैं यहां से नंबर कर रहा हूं, यहां से नंबर कर रहा हूं। एच ऊपर है, एच नीचे है, बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज में इधर देख, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, यहां पर OH ऊपर है और यहां OH नीचे है। समझ इस बात को, एक ऐसी शुगर जिसमें यहां OH ऊपर है और यहां OH नीचे है, अगर मुझे दूसरे से जोड़ना है तो मुझे ऐसे रखकर जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके। देख यहां OH नीचे, यहां OH ऊपर है। तो जब मैंने इसको ऐसे जोड़ा, कौन सी शुगर ली मैंने? मैंने ली बीटा डी ग्लूकोज। जब मैंने बीटा डी ग्लूकोज को जोड़ा दूसरी बीटा डी ग्लूकोज से, तो इस लिंकेज का नाम है बीटा 14 लिंकेज। स्टार्च में लिंकेज कौन सी है? 14 और 16। क्या स्टार्च ब्रांच है? यस, सेलुलोज ब्रांच है, नहीं। इसमें लिंकेज कौन सी है? बीटा 14। तो जब हम क्या करते हैं बेटा, ये सेलुलोज है तो सेलुलोज में लिंकेज होती है बीटा 14 लिंकेज होती है। यस, बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर है। यस, तो मोनोमर क्या हो गया सर? मोनोमर हो गया बीटा डी ग्लूकोज। यस, और क्या है बेटा? और बीटा 14 लिंकेज, ये तो ऊपर लिखा है। उसके अलावा कॉटन में, कॉटन में और पल्प में, पल्प समझ में आता, लकड़ी जिससे बनाते हैं, और कॉटन जो है उसमें मेरे पास 90% या जो भी सेलुलोज होता है उसमें मेरे पास क्या होता है? सेलुलोज, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। तो सेलुलोज क्या है? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा 14 लिंकेज। तुझे मैंने समझाया, यहां वन में OH ऊपर है तो जैसे इसका वन OH ऊपर होगा, इस वाले का OH नीचे है, फोर का ये रहा, इसका OH, तो ये बीटा 14 लिंकेज है। यस, ये किसमें होता है? सेलुलोज में। अब आ जा काइटिन क्या होता है, इधर देख, दिस इज सेलुलोज। इसकी ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, इस सेकंड कार्बन पर इस OH की जगह, देख इधर, इस OH की जगह मैंने NHCOCH3 लिखा हुआ है। इसे कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। लिखा हुआ समझ में आ रहा है? नैग क्या है? नेग क्या है? बीटा डी ग्लूकोज को, बीटा डी ग्लूकोज को मॉडिफाई करके नेग बना दिया, NHCOCH3 बना दिया, इसको अपने ने नेग बोल दिया। तो बीटा डी ग्लूकोज से नेग बना दिया। अब जब मैं इस नेग को, जब मैं इस नेग को बिल्कुल ऐसे ही अरेंज कर रहा हूं जैसे मैंने इसको अरेंज किया था, मैं इस नेग को, नेग क्या है, सेकेंड कार्बन पर यह लिख दिया दिस इज नेग, मैं इस नेग को बिल्कुल वैसे ही अरेंज कर रहा हूं जैसे मैंने वो अरेंज किया, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? काइटिन। काइटिन होता है फंजाई में। उसके अलावा आर्थ्रोपोड में, आर्थ्रोपोड में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वो हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है। तो काइटिन फंजाई में और आर्थ्रोपोड में है। काइटिन की लिंकेज कौन सी है सर? ये भी बीटा 14 लिंकेज है। यस और नो? यस और नो? यस, यस। तो ये हमने बात करी इसकी, ये बात कर ली काइटिन की। अब मेरी बात सुन, इधर देख, इधर देख ध्यान से, ये नेग है, इसी की मॉडिफिकेशन से नेम बनता है। यस, तो ये नेग है, बीटा डी ग्लूकोज से बना, ये नेम है, फिर नेग है, नेम है, नेम पर अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, नेम पर अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, नेम पर अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में ऐसे क्रॉस लिंकिंग हो गई। ये बन जाता है क्या? पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने कभी भी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी सेल वॉल है? पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी सेल वॉल है बता बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी सेल वॉल है बता? बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या है देख बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या बन गया? पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी सेल वॉल है? बैक्टीरिया की। तो तुझे याद रखना है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल का मतलब सेल वॉल बनाएगा,
सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज रिपीट हो रहा है, काइटिन में नैग रिपीट हो रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन में नैग और नैम रिपीट हो रहा है, यस और नो? अगर मैं तुझसे पूछूं स्टार्च होमोपॉलीमर है, यस, सेलुलोज होमोपॉलीमर है, यस, काइटिन होमो है, यस, हेट्रोकोन है पेप्टाइडोग्लाइकेन, हेट्रोकोन है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जल्दी बता, जल्दी बता बेटा। अतिन मैं बेटा दोबारा बनाऊंगा क्वेश्चंस, कुछ और वो दूंगा, टेंशन ना ले, यस, मेरी साथ साथ याद कर। स्टार्च में बॉन्ड अल्फा 1,4, मोनोमर, मोनोमर ग्लूकोज लिंकेज 1,4,1,6, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दोनों होता है। सेलुलोज में बीटा 1,4, क्या मोनोमर होता है? बीटा डी ग्लूकोज। काइटिन में नैग, पेप्टाइडोग्लाइकेन में नैग और नैम, तीनों में लिंकेज कौन सी है? बीटा लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज है। तूने बायोटेक पढ़ी है? हां सर। लाइसोजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा? इसकी बीटा लिंकेज को। काइटिनेज इसकी बीटा लिंकेज को, सेलुलेज इसकी बीटा लिंकेज को, याद हो रहा है? याद हो रहा है? जल्दी बता, याद हो रहा है बेटा? याद हो रहा है? यस, एक्सोस्केलेटन ऑफ एर्थ्रोपोड, यस, पल्प में, कॉटन में और पल्प में जो जो लकड़ी इससे मिलती है मुझे बात पेपर बनाने के लिए, पेपर पल्प, उसमें मेरे पास क्या होता है? सेलुलोज होता है। पंजाई में और इसमें नैग क्या है? बैक्टीरिया की सेल वॉल है, यस। तो क्या हम बॉन्ड लिख दें फटाफट से? लिख देते हैं सर। माल्टोज में ग्लूकोज है बेटा अल्फा डी वाला, अल्फा 1,4 लिंकेज है। लैक्टोज में बीटा 1,4 है लिंकेज। सुक्रोज में कौन सी बेटा बता? अल्फा 1 है, 2 बीटा है। स्टार्च में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 है। अमाइलोज में अल्फा 1,4 है। अमाइलोपेक्टिन में सर 1,4 है और अल्फा 1,6 भी है। ग्लाइकोजन में बता सर अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 क्योंकि वो सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन है। सेलुलोज में बीटा 1,4, काइटिन में बीटा 1,4। इतना याद रखना आपको कार्बोहाइड्रेट को। वो सब नहीं आते यार, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी, सब फर्जी क्वेश्चन नहीं आते। किसको किसको याद हो गया? किसको किसको याद हो गया? मैं चैट में पूछ रहा हूं, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। किसको किसको याद हो गया? चलो स्टार्ट करते, जो मैं कार्बोहाइड्रेट पूछना स्टार्ट करता हूं, मुझे बताओ, मुझे बताओ, पीजीएल एल्डोज है कि कीटोज है? पीजीएल एल्डोज है कि कीटोज है? सर एल्डोज है, यस यस यस। अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? एनोमर आइसोमर एपीमर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? एनोमर आइसोमर एपीमर, जल्दी बता। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? एनोमर आइसोमर एपीमर, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता। एनोमर आइसोमर एपीमर, सर एपीमर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सर आइसोमर है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, सर ये क्या है? ये एनोमर है, यस। सुक्रोज में कौन सी कार्बन एनोमरिक है? सुक्रोज में C1 है, C2 है। सुक्रोज में कौन सी कार्बन एनोमरिक है? जल्दी बता, सुक्रोज में कौन सी कार्बन एनोमरिक है? जल्दी जल्दी जल्दी, सुक्रोज में कौन सी कार्बन एनोमरिक है? C2 सॉरी सुक्रोज कह रहा हूं, सॉरी। फ्रक्टोज में कौन सी है? फ्रक्टोज में कौन सी है? C2 है। अच्छा, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी के सारे क्या है? रिड्यूसिंग है। कौन सा टेस्ट देंगे? टॉलरेंस और फैलिन टेस्ट देंगे। रीजन बता दिया आपको, एनोमरिक कार्बन इन्वॉल्व होगी। स्टार्च में लिंकेज अल्फा 1,4,1,6, अमाइलोज में अल्फा 1,4, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4,1,6। क्या ज्यादा होता है, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन। काइटिन में लिंकेज बीटा 1,4, पर मोनोमर क्या है? नैग। सेलुलोज में लिंकेज बीटा 1,4, मोनोमर क्या है? मोनोमर क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। और पेप्टाइडोग्लाइकेन में नैग और नैम दोनों होते हैं, यस, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कार्बोहाइड्रेट हमने फिनिश कर लिया है। अगर आपको ये 3 स्लाइड 4 स्लाइड्स का सारा डाटा याद है, आप एक बार इसको याद करेंगे लिख के, ये सारा डाटा याद है आपको इन 3 स्लाइड्स का, बेसिकली 4 स्लाइड्स का, तो आपको कार्बोहाइड्रेट आता है, आप अच्छा कर जाएंगे एग्जाम में, कोई डाउट नहीं। अपने चल रहे न्यूक्लिक एसिड, फिर एंजाइम पे मूव करेंगे, जा जाओ जल्दी से। न्यूक्लिक एसिड पे आ रहे हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड पे आ रहे हैं। एक बार बता दो जरा, समझ आ रहा है? एक बार
दिल विल बनाओ, फिर चलते हैं आगे, न्यूक्लिक एसिड फिर एंजाइम, फटाक से जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, अगर तू ईमानदारी से सारा लेक्चर याद कर लेगा और फिर एक बार पीवाईक्यू करके देख, मुझे बता तेरे को समझ में आया कि नहीं। यस चले चले भाई, मेनोस करना है मर्जी है छोड़ दे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आजा सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड दो है, डीएनए आरएनए दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड होमो पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर, पहले तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये हेट्रोपॉलीमर है। क्या है बेटा? हेट्रोपॉलीमर है। अलग अलग चीजें रिपीट होती हैं, यस और नो? अलग अलग चीजें रिपीट होती हैं। अब देख, मैं अगर समझदारी से एक बढ़िया क्वेश्चन बनाऊं होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर का, देख मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगा अगर नीट का पेपर मुझे मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज होमोपॉलीमर? पहला डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा टीआरएनए और चौथा पॉलीएटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज अ होमोपॉलीमर? डीएनए, आरएनए, टीआरएनए और पॉलीएटेल। तो अगर आप ध्यान से याद करोगे तो एमआरएनए के लास्ट में जो पॉलीएटेल लगती है, 200 से 300 चीजें सेम चीज रिपीट होती है, तो अगर वो सेम चीज रिपीट होगी तो पॉलीएटेल इज अ होमोपॉलीमर। यस होमोपॉलीमर, यस। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा यहां से उसको जोड़ के, अगर नीट का पेपर मुझे बनाने को मिलेगा तो सबसे पहले डीएनए आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड है, मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना? किसके बने हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या मोनोमर है? न्यूक्लियोटाइड। तो क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए आरएनए में मोनोमर क्या है? देख मेरी बात सुन ध्यान से, क्वेश्चन अगर आ जाए डीएनए आरएनए में मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर इज न्यूक्लियोटाइड। क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है? न्यूक्लियोटाइड। यस और नो? क्या रिपीट हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं, हमारे पास दो शुगर है, एक राइबोज है, नॉर्मल फॉर्मूला C5H10O5, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होगी C5H10O4, एक ऑक्सीजन कम है। एक ऑक्सीजन कहां कम है आप देख लो, यहां पर मेरे पास एक ऑक्सीजन कम है, तो यहां पर सेकेंड कार्बन पर क्या है मेरे पास? इस सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है? तो शुगर दो तरह की होती है, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज, ठीक है? तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में एक होता है शुगर, शुगर दोनों ही एल्डोज हैं, यस और नो? दोनों ही एल्डोज हैं और दोनों पांच कार्बन की हैं। कितनी कार्बन है बेटा? दोनों में पांच कार्बन है, यस। एक राइबोज है, एक डीऑक्सीराइबोज है। अब मेरे पास दो रिंग कंपाउंड है जिसे अपने कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो है, एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडिन है, यस और नो? एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडिन है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, नाइट्रोजिनस बेस को लेकर एनसीईआरटी ने मेंशन किया हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक समझ में आता है? यहां कार्बन की चेन के बीच में नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन 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 नाइट्रोजन, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक है। प्यूरीन के दो एग्जांपल हैं एडिनिन और गुआनिन, इन दोनों को एनसीईआरटी ने लिखा है डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरीन। मतलब एडिनिन जो है, मैं नंबर डाल रहा हूं ध्यान से देखियो, यहां से नंबर डाल रहा हूं बेटा, इस पे इस 6 7 8 9, यहां पर 1 2 3 4 5 6, मेरी बात सुन ध्यान से, प्यूरीन जो है उसकी 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, तो एडिनिन क्या होगा? एडिनिन इज 6 अमीनो प्यूरीन। गुआनिन जो है 2 पर अमीनो, 6 पर कीटोन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्यूरीन के दो एग्जांपल है एडिनिन गुआनिन, सर हमें स्ट्रक्चर याद करना नहीं, प्यूरीन के दो एग्जांपल है एडिनिन गुआनिन। एडिनिन क्या है? 6th पोजीशन पर अमीनो है। गुआनिन क्या है? 2nd पर अमीनो है, 6th पर ऑक्सो है। पिरिमिडिन के एग्जांपल है कट, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, इसका एक इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, यहां भी ओ ग्रुप, ये ग्रुप और यहां भी, 2nd और 4th पर कीटोन ग्रुप है, किसमें? यूरेसिल में। यूरेसिल सबसे रिएक्टिव बेस है, यूरेसिल की 5th कार्बन पर यहां पर मिथाइल जोड़ने से थाइमिन बनता है। तो तुम्हें याद करना है थाइमिन का 5-methyl यूरेसिल, क्या याद करना है? 5-methyl यूरेसिल याद करना है थाइमिन का। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बता दो, प्यूरीन एडिनिन गुआनिन, एडिनिन 6 अमीनो प्यूरीन, गुआनिन 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरीन, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? यस। पिरिमिडिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन,
यूरेसिल की पांचवी कार्बन पर अगर मिथाइल जोड़ दो तो थाइमिन बन जाएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है किससे, क्लास 12 से। अब आओ जरा, अब आओ देख मेरी बात सुन, ये मेरे पास शुगर हो गई और ये हो गया नाइट्रोजिनस बेस। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, किसको याद है, यहां फर्स्ट कार्बन है, यहां पर ये फर्स्ट होगी अगर पिरिमिडीन है, और सेवन होगी, सॉरी नाइन होगी अगर क्या होगी, प्यूरिन। देख बेटा कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है। यहां पर नाइट्रोजन कौन सी है, सर ये एन वन है, क्या, क्योंकि ये पिरिमिडीन है। अगर प्यूरिन की डबल रिंग होती तो यहां पर एन नाइन होता। यस, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक। क्या नाम है बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर देख ये आ गया फॉस्फोरस, फॉस्फेट, फॉस्फेट और इसके बीच में इसका नाम क्या है, फॉस्फोईस्टर। तो याद हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। यस, तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोईस्टर, शुगर और नाइट्रोजिनस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक। यस, राइबोस डीऑक्सीराइबोस, प्यूरीन एडिनिन गुआनिन, पिरिमिडीन साइटोसिन यूरासिल। चैट में मुझे बताओ कौन सा हार्मोन डेरिवेटिव ऑफ प्यूरीन है, प्लांट हार्मोन, विच प्लांट हार्मोन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरीन, चैट में बता। 10 दिन 20 दिन बाद पेपर है, कंटाप खाबे, नहीं तो जल्दी कर, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी बता चैट में कौन सा प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन। सोनाली बहुत झापड़ मारेंगे, साइटोकाइनिन है जानवी, साबास, साइटोकाइनिन है। अरे साइटोकाइनिन है ना, प्यूरिन डेरिवेटिव, एडिनिन डेरिवेटिव, चेक करो ना एनसीईआरटी, खोल के चेक करो, साइटोकाइनिन है। क्या हो गया तुम लोग को, अब आ जल्दी से, इधर देख, इधर देख, शुगर क्या है, राइबोस, उस पर एडिनिन जोड़ा तो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या, एडिनोसिन। यहां पर तुम गलत करके आओगे अगर न्यूक्लियोटाइड का नाम सही नहीं लिख के आए तो। न्यूक्लियोटाइड है एडिनाइलिक एसिड, क्या है, एडिनाइलिक एसिड, यस और नो। ऐसे शुगर के साथ यू जोड़ा, यूरेसिल जोड़ा, तो इसको बोलेंगे यूरिडीन। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या है बेटा, गुआनिन। ये क्या है, साइटोसिन। यस, तो यहां क्या आ गया, देख बेटा यहां लिखेंगे गुआनोसिन, यहां क्या लिखेंगे, साइटिडीन। यस, ये क्या आएगा, ये देख डीऑक्सी ये हो गया, यहां पे देख, यहां देख ध्यान से देख, यहां पर सेम एडिनोसिन आएगा। अब मेरी बात सुन, राइबोज में यूरेसिल जुड़ता है, डीऑक्सीराइबोज में थाइमिन जुड़ता है। यस यस, यहां क्या लिखोगे, एडिनोसिन, पर उसके आगे क्या लगा देगा, डीऑक्सी, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज। ऐसे इसका नाम क्या लिखेगा, यूरिडाइलिक एसिड, गुआनिडाइलिक एसिड, ऐसे साइटिडाइलिक एसिड, ऐसे लिखना है। ये नाम तेरी एनसीईआरटी में लिखे हुए। तो एडी देख, देख फर्क देख, समझ ध्यान से, एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड, गुआनिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। याद हो रहा है, याद हो रहा है, जल्दी बताओ, याद हो रहा है, जल्दी बताओ बेटा, याद हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, गुआनिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, रिपीट कर रहा हूं, जो जो पॉइंट से मैं बोलूंगा उसको याद करना। डीएनए आरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है, यस नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है, नाइट्रोजिनस बेस हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। तुम्हें थाइमिन का नाम याद करना है, 5-methyl uracil, यस यस यस। उसके बाद हमने करना है, अगर राइबोस में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एडिनिन जोड़ते हैं तो एडिनोसिन बनता है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, यूरिडीन, गुआनोसिन, साइटिडीन। और ये चीज क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है बेटा, एडिनाइलिक एसिड, गुआनिडाइलिक, साइटिडाइलिक, इस तरीके से। क्लियर है, यहां डीऑक्सी लगा देंगे, यहां तो कोई डाउट है, जल्दी बताओ चैट में, यहां तो कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बेटा, हम फटाफट से अब एंजाइम पे आने वाले हैं,
और वही लास्ट इसके बाद टॉपिक है, ठीक है। तो फोकस पूरा बनाए रखिए क्योंकि पूरा रिवाइज तभी होगा आपसे। अब देख रहे देख मेरी बात, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये वाला लिंकेज है फॉस्फोईस्टर। मैंने क्या किया, इस न्यूक्लियोटाइड को इस वाले न्यूक्लियोटाइड से जोड़ दिया, बीच में ये वाला बॉन्ड फॉस्फोईस्टर है, ये वाला भी फॉस्फोईस्टर है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये डाईस्टर हो गया, ये फॉस्फोईस्टर, ये फॉस्फोईस्टर, दोनों को मिला के मैंने क्या बोल दिया, फॉस्फोडाईस्टर। तो एनसीईआरटी ने क्लास ट्वेल्थ में दिया ये थ्री डैश है, ये फाइव डैश है, तो थ्री डैश टू फाइव डैश फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज, एक न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में थ्री डैश से फाइव डैश फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज आएगा। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, थ्री डैश से फाइव डैश फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज आएगा। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, थ्री डैश टू फाइव डैश फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज। अब इधर देख, इधर देख, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड, ये इसका नाइट्रोजनस बेस, कितने न्यूक्लियोटाइड है सर, एक दो तीन चार, कितने फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड है, एक दो तीन। तो अगर तेरे पास एन न्यूक्लियोटाइड होंगे, न्यूक्लियोटाइड एन होंगे, तो फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज कितना होगा बता, फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज कितना होगा, एन माइनस वन। यहां कोई डाउट है किसी को, यहां कोई डाउट है, इधर देख बेटा, ये डीएनए है, इसमें ये शुगर है, और बीच में मेरे पास क्या होगी, फॉस्फेट होगी, बीच में क्या होगी, फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, एक चेन फाइव से थ्री होती है जिसमें नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है, दूसरी चेन फाइव से थ्री यहां से देखेंगे ऐसे, तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस सामने आ जाते हैं। प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडिन आता है, डबल रिंग के सामने हमेशा सिंगल रिंग आता है। क्या क्या पॉइंट याद करना है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फाइव डैश टू थ्री डैश फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज, जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उससे एक माइनस, एक वन माइनस करके क्या आते हैं, फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज आते हैं। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक फाइव से थ्री है, दूसरी इधर से फाइव से थ्री देखेंगे, दोनों के नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या हमें यह पॉइंट याद है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की डायरेक्शन फाइव डैश टू थ्री डैश होती है, यस यस, न्यूक्लियोटाइड एन है तो नाइट्रोजनस बेस भी कितने होंगे, एन, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड होंगे एन माइनस वन, शुगर कितनी होंगी, शुगर कितनी होगी सर, ये भी एन होगी। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए में, डीएनए कैसा है, बी टाइप है, डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, व्हाट इज डायमीटर, ये डिस्टेंस, दो चेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, दो नैनोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इसकी बात कर रहे हैं कितना है, 0.34 नैनोमीटर। डीएनए जो है इस तरीके से घूमता है, डीएनए जो है इस तरीके से घूमता है, ऐसे राइट हैंडेड क्वाइल है, क्लियर है, इस तरीके से घूमता है, यस। तो एक टर्न जो है, एक टर्न जो है राइट हैंडेड है, जिसको हम 10 बेस पेयर कहते हैं, जिसकी पिच कितनी है, 3.4 नैनोमीटर, यस। अगर मेरे पास डीएनए में 200 बेस पेयर है तो टोटल कितने बेसिस आएंगे, 400 न्यूक्लियोटाइड कितने आएंगे, देख ले बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, मान ले 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें है, 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें है, तब हम कहते हैं 200 बेस पेयर, क्योंकि इस ए के सामने टी है, इसको कहते हैं बेस पेयर। ये डिस्टेंस आता है 0.34 नैनोमीटर, इस चेन और इस चेन के बीच में 2 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो ये 2 नैनोमीटर हो गया डिस्टेंस, ये आ गया पिच, क्या होगी पिच में क्या होंगे, 10 बेस पेयर होते हैं, तो कितना आ गया ये। और कैसे घूमता है डीएनए, राइट हैंडेड क्वाइल होता है, कैसे घूमता है, राइट हैंडेड क्वाइल होता है। एक बार मैं सारा डाटा रिपीट करूं न्यूक्लिक एसिड का, चैट में बताओगे, जल्दी बताओ बेटा, चैट में बताओगे जल्दी से सारा डाटा, एक बार रिपीट करता हूं फटाफट से, सारा डाटा रिपीट करता हूं, चैट में बताओ फटाफट से। सबसे पहले मुझे बताओ शुगर और नाइट्रोजिनस बेस में कौन सा बॉन्ड होता है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस में कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक, याद हो रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक, क्लियर है। अब मेरे पास ये बताओ कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोईस्टर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाईस्टर, कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाईस्टर। अगर किसी चेन में 100 न्यूक्लियोटाइड हैं तो कितने फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड होंगे, 100 माइनस वन,
अगर किसी चेन में 100 न्यूक्लियोटाइड है तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे? 100 - 1 कितने होंगे? 100 - 1 होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब मेरे पास दो चेन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 नैनोमीटर। हम कौन से टाइप का डीएनए पढ़ रहे हैं? बी टाइप का। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ऐसे डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है। याद हो रहा है? जितने बेस पेयर हैं नाइट्रोजिनस बेस उसका डबल होगा चेन में, जो दो चेन है उसमें फिर क्या ले लेंगे? डबल ले लेंगे। याद हो रहा है बेटा? याद हो रहा है? जल्दी बताओ याद हो रहा है? ये सारा याद हो रहा है? और ये हम बात कर रहे हैं बेटा राइट हैंडेड क्वाइल डीएनए की, जो बी टाइप का है। क्या है? बी टाइप का। एनसीईआरटी लिखती है हेलिकल स्टेयर केस जैसा है, हेलिकल स्टेयर केस जैसा है। यस, क्लियर है। अब हम बात करेंगे लिपिड की। यहां तक अगर हो गया तो हम बात करेंगे 5 से 6 मिनट लिपिड की, फिर एंजाइम पढ़ेंगे, खत्म। ठीक है, जल्दी बताओ, चैट में जल्दी बता दो बेटा, चैट में जल्दी बताओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या प्रोटीन भी राइट हैंडेड क्वाइल होती है? यस यस। डीएनए भी राइट हैंडेड क्वाइल होता है? यस यस। क्लियर है बेटा? हाँ। इसकी पीडीएफ अपलोड करेंगे 100% बेटा, उसमें डालेंगे। आप अभी जाओ लिंक में देखो, एक टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसको। अब आ जाए जरा लिपिड में, तुझे क्या क्या पढ़ना है। तेरे सिलेबस में फैट एक लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, वैक्स लिपिड है, सुबेरिन लिपिड है, क्लोरोफिल पिगमेंट भी लिपिड है। लिपिड क्या होते हैं बेटा? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते। वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जो मेरे पास क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। वो किसमें आते हैं? वो आते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में। उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, फैट किससे मिलता है? फैट किससे बनता है? ध्यान सुन, फैट किससे बनता है बेटा? फैट में एक होता है ग्लिसरॉल। क्या ग्लिसरॉल वाटर सॉल्युबल है, लिपिड है? यस। क्या ग्लिसरॉल को लिपिड काउंट करते हैं? यस। ग्लिसरॉल क्या होता है? 1, 2, 3, 3 कार्बन वाला क्या होगा बेटा, बता जल्दी से। 3 कार्बन वाला मीथेन कौन सा होता है? प्रोपेन। कौन सा होता है? प्रोपेन। उस प्रोपेन में कितने OH ग्रुप है? 1, 2, 3, तो क्या लिखेगा? ट्राईहाइड्रोक्सी। तो ये नाम एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो ग्लिसरॉल वो होता है जिसमें 1, 2, 3 OH ग्रुप है। यस। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड क्या है? इट इज लॉन्ग चेन। ध्यान से सुन बेटा, फैटी एसिड क्या है? इट इज लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। यस यस। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं बेटा। तेरे सिलेबस में सैचुरेटेड जो है वो पाल्मिटिक एसिड है। क्या है? पाल्मिटिक एसिड। कितने कार्बन का है? सर पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का है। अनसेचुरेटेड में अरेकिडोनिक एसिड है। अरेकिडोनिक एसिड है। यस क्लियर है। कितने कार्बन का होगा? 20 कार्बन का होगा। क्लियर है। अरेकिडोनिक एसिड अनसेचुरेटेड में। अच्छा, जो हमारे पास अनसेचुरेटेड होते हैं उनको हम ऑयल भी बोल सकते हैं, है ना? फैट या ऑयल करके, गिंगली ऑयल करके लिखा हुआ है ना? तो सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड समझ में आ गया। मतलब कार्बन की लंबी चेन होगी, ऐसे COH होगा, और कार्बन की लंबी चेन होगी उसको अपने फैटी एसिड कहते हैं। अब मेरी बात सुन ध्यान से, फैट में कैसे कैसे बनता है? इधर देख, ये ग्लिसरॉल, इधर देख, ये CH2OH है, CHOH CH2OH। इस OH पर ये जो COH ग्रुप है फैटी एसिड का, इसने रिएक्ट कर लिया। इस OH पर COH ने रिएक्ट कर लिया, तो एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड। जब ग्लिसरॉल पर 1, 2, 3 फैटी एसिड बन जाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड ही फैट होता है। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड ही क्या होता है? फैट होता है। याद रख, 1, 2, 3 फैटी एसिड जुड़ गए उसे ही हम फैट कह रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड। बॉन्ड कौन सा है? मेरी बात सुन, ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है? एसिड। एसिड और अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड बनता है? सर ईस्टर बनता है। फैटी एसिड कितने जोड़ेंगे? 3। इसका एक और नाम मैंने क्या बता दिया? ट्राइग्लिसराइड बता दिया। यस यस यस। तो आपको फैट के बारे में बता दिया,
कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता सकते हैं, उसके अलावा फॉस्फोलिपिड के बारे में बताएंगे। मेरी बात सुन ध्यान से, व्हाट इज फॉस्फोलिपिड, इधर देख ध्यान से, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल पर यहां एक फैटी एसिड जोड़ दिया, दूसरा फैटी एसिड यहां जोड़ दिया, देख एक फैटी एसिड ये जुड़ गया, दूसरा फैटी एसिड ये जुड़ गया, इस तीसरी लोकेशन पर मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया, ये इसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फैट क्या होता है, देख फैट क्या होता है, एक दो तीन फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, एक दो दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट, और ये ऐसे दिखता है, फिर ये जो फैटी एसिड है ना, ये और ये इस तरीके से दिखते हैं, और ये हेड बन जाता है इस फॉस्फेट की वजह से। यहां पर मैंने एक्स लिखा है, ये एक्स क्या होता है बेटा, ये एक्स अगर कोलीन नाम का कंपाउंड होता है तो फॉस्फोलिपिड का नाम लेसिथीन कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉस्फोलिपिड का मतलब एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, तीसरी जगह फॉस्फेट, ये एक्स कंपाउंड अलग अलग होता है। इस एक्स में मैं कोलीन रखता हूं तो फैटी एसिड का नाम लेसिथीन आता है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, अब मेरे सवालों का जवाब दो, देखो आपको क्या समझ में आया, फैट में कितने फैटी एसिड होते हैं, एक दो तीन, जल्दी बताओ फैट में कितने फैटी एसिड होते हैं, एक दो तीन, चैट में बता, चैट में बता सर, तीन होते हैं, तीन फैटी एसिड होते हैं। कितने ईस्टर बॉन्ड होंगे, एक दो तीन, कितने ईस्टर बॉन्ड होंगे सर, तीन होंगे। फॉस्फोलिपिड में कितने फैटी एसिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड में कितने फैटी एसिड होते हैं सर, दो, तो ईस्टर बॉन्ड कितने हो गए, दो, तो ये वाला कौन सा, फॉस्फोईस्टर, तो फॉस्फोलिपिड में दो ईस्टर है और एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। यस, मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड लेसिथीन, मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड कौन सा बेटा, लेसिथीन है, मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड कौन सा है, लेसिथीन है। यस, लेसिथीन ये ग्रुप है, देख देख मेरी बात सुन, यहां तक ये वाला ग्रुप जो जोड़ा है ना मैंने, ये एक्स की जगह जोड़ा है, तो इसीलिए तू देख पाएगा ये वाला ग्रुप को कोलीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोलीन। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बेटा, उसमें ये रिंग होती है ऐसी, इस रिंग को कहते हैं, ये जो रिंग होती है इसको सीपीपी रिंग कहते हैं, तेरे सिलेबस में नाम नहीं लिखा हुआ, पर ऐसी रिंग किसकी होती है, कोलेस्ट्रॉल की। यस, किसकी रिंग होती है, कोलेस्ट्रॉल की। यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, पाल्मिटिक एसिड, अनसैचुरेटेड कौन सा, अरेकिडोनिक एसिड। यस, फैट और फॉस्फोलिपिड में फर्क याद रहेगा। यस, सही है, क्लियर है। ये किसकी रिंग दे रखी है, कोलेस्ट्रॉल की, है ना, फिना एंथ्रासिन लास्ट में लिखा रहता है वो रिंग है, क्लियर। हमें सिर्फ रिंग आइडेंटिफाई करनी है, स्ट्रक्चर बनाएगा तुझे पता पहचाना पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल, कर लोगे, कर लोगे। यस यस यस, क्या हम तैयार हैं एंजाइम पढ़ने के लिए, लास्ट टॉपिक, क्या हम रेडी हैं एंजाइम पढ़ने के लिए, जल्दी बताइए क्या हम रेडी है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे देखें तुम्हें याद है कि नहीं, मुझे बताना। कोई बेसिक अमीनो एसिड का नाम बताओ, चलो 10-12 क्वेश्चन करते हैं फिर एंजाइम बढ़ते हैं, पानी पी लेता हूं जब तक मैं, बेसिक अमीनो एसिड का नाम बताओ। हाँ भाई, आंसर करो, चलो बेसिक अमीनो एसिड कोई भी एक लिख दो, ठीक है। यस, उसके बाद मुझे एक एरोमेटिक लिख दो, एक एरोमेटिक लिख दो, बेसिक लिख दिया, लाइसिन आर्जिनिन एचएलए, ठीक है, एरोमेटिक लिख दे, ट्रिप्टोफाइन फिलाइन एलानेट टायरोसिन, ठीक है। अब मुझे बता फिनाइल एलानिन असेंशियल है नॉन असेंशियल, फिनाइल एलानिन असेंशियल है नॉन असेंशियल, असेंशियल है क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होता है, नॉन असेंशियल टायरोसिन में। यस यस, ठीक है। अब मुझे बता कि जब डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन की तो कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता, हाइड्रोजन पेप्टाइड कौन सा नहीं टूटता, वंडरवॉल आयनिक, जब डीनेचुरेशन होती है कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बता बेटा, जल्दी जल्दी, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल बता, 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 4 डिग्री का हेमोग्लोबिन, क्या है, हेमोग्लोबिन है। यस 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 यस, उसके बाद मुझे ये बता जरा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, ये बता, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, इनवर्ट शुगर किसको कहते हैं, इनवर्ट शुगर किसको कहते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज का पॉलीमर क्या है, इनवर्ट शुगर सुक्रोज को,
ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपीमर है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है इन्यूलिन, फ्रक्टोज का पॉलीमर क्या है इन्यूलिन। ऐसे ही आएगा पेपर बेटा, और तुम भी क्या लग रहा है तूफान थोड़ी बच जाएगा। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, अरेकिनोनिक 20 कार्बन, वो अनसेचुरेटेड है सैचुरेटेड है, ठीक है। यस यस, एडिनाइलिक एसिड क्या है नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, एडिनाइलिक एसिड क्या है नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड सोल्यूबल में आएगा इनसोल्यूबल में आएगा, सर सोल्यूबल में आता है, सोल्यूबल में आता है। इन्यूलिन सोल्यूबल में आएगा इनसोल्यूबल में आएगा, इन्यूलिन सोल्यूबल में आएगा इनसोल्यूबल में आएगा। चलो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंजाइम। इन्यूलिन किसमें आएगा बेटा, सोल्यूबल में इनसोल्यूबल में, जल्दी बता इन्यूलिन किसमें आएगा सोल्यूबल इनसोल्यूबल में। इन्यूलिन पॉलीसेक्राइड इनसोल्यूबल में आना चाहिए। आ जा एंजाइम की बात करेंगे, पूरी पूरी बात समझाएंगे, ध्यान से फोकस मेरी तरफ चाहिए, पूरा 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 फोकस मेरी तरफ चाहिए। एंजाइम को आपको पूरा फोकस 200% मेरी तरफ देना पड़ेगा, एंजाइम से क्वेश्चन आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। पूरा फोकस मेरी तरफ दो, आपको सारा समझ में आएगा पूरा पूरा, ठीक है। सबसे पहले एंजाइम के कौन कौन से फीचर तुझे पता होना चाहिए। सबसे पहले एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसाइम, ठीक है। पानी पी लूं एक मिनट, बताओ जल ग्रहण कर ले एक मिनट, चलो पढ़ते हैं बाद में पियेंगे। चलो देखो ध्यान से सुन बच्चे, सबसे पहले एंजाइम कौन सी प्रोटीन, सबसे पहले ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसाइम। राइबोसाइम का एग्जांपल 23SRRNA है, तो ऑल प्रोटीन्स है एक्सेप्ट राइबोसाइम। राइबोसाइम का एग्जांपल हमने क्या रखा है बेटा 23SRRNA। दूसरा एंजाइम कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रस या ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, कौन सा होता है ग्लोबुलर होता है। दूसरा एंजाइम का 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री फंक्शनल होता है और 4 डिग्री फंक्शनल हो सकता है। मेनली कौन सा फंक्शनल होता है 3 डिग्री, मेनली कौन सा फंक्शनल होता है 3 डिग्री। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और इनको हम एक लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम मतलब ऐसे लाइन बनाकर दिखा सकते हैं जिसमें यहां पर एन टर्मिनल है और यहां पर सी टर्मिनल है जो फोल्ड होकर ऐसे एंजाइम बनाएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसाइम जो कि एक आरएनए है, 23SRRNA राइबोसोम में होता है। दूसरा एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या एंजाइम का 1 डिग्री स्ट्रक्चर होगा, होगा 2 भी होगा, लेकिन फंक्शनल कौन सा है 3 डिग्री। 4 डिग्री कौन से एंजाइम का फंक्शनल होगा, जिनमें सब यूनिट्स होती हैं। यस, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम को हम लाइन डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी कहती है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या फर्क है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बढ़ता है और ये खराब हो जाता है तापमान बढ़ाने से, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से इसमें काम बढ़ता है। आपने पढ़ा है बेटा निकल प्लेटिनम प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं, पर ये भी क्या हो जाएगा डीनेचर हो जाता है प्रेशर बढ़ाने से। कुछ एंजाइम थर्मोस्टेबल होते हैं, ऐसा कोई एंजाइम तुम्हारे किस्मत में आया हो, हां सर बायोटेक में आया था, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। तो एंजाइम्स आर थर्मोस्टेबल, एंजाइम्स आर थर्मोस्टेबल, ठीक है, डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे प्रेशर पे, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब आते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर पे, यहां तक बातें याद हो गई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फंक्शनल 3 डिग्री ग्लोबुलर वाटर सोल्यूबल, एंजाइम और इनऑर्गेनिक के बीच में कंपेरिजन, यहां तक याद हो गया, पहले बताओ यहां तक याद हो गया, यहां तक याद हो गया। अब आगे चलते हैं, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, सबसे पहले स्ट्रेट चेन ऐसे 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है। जब एंजाइम 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनाता है तो उस पर बहुत सारे इस तरीके से क्रिवाइस बनते हैं, क्रिवाइस समझ में आता है, गड्ढे बन जाते हैं, और वो जो क्रिवाइस है, वो जो क्रिवाइसिस हैं, जो पॉकेट्स हैं जो एंजाइम के सरफेस पे बनते हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं, वो एक्टिव साइट की तरह काम कर सकते हैं। तो जब एंजाइम का 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, फिर 2 डिग्री बनता है, फिर 3 डिग्री बनता है, जब 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है तो कुछ ऐसा दिखता है, उस पर काफी सारी क्रिवाइसिस और पॉकेट्स दिखती हैं, उनको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। इनमें से कोई भी एक पॉकेट, उनमें से कोई भी एक पॉकेट, कोई भी एक पॉकेट कैसे काम करती है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और कौन सा चेंज कराता है, फिजिकल और केमिकल दोनों। अगर मैं ये सबस्ट्रेट को बदलूं
तो ये केमिकली भी बदल जाएगा और फिजिकली भी बदल जाएगा। अगर फिजिकल नहीं बदलेगा तो एक्टिव साइट को छोड़ेगा नहीं, याद हो रही है बात। तो किस तरह का चेंज होता है? केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों होता है। तो क्या क्या याद करेंगे? एंजाइम का 3 डिग्री स्ट्रक्चर, उस पे पॉकेट्स होती हैं, उनमें से कोई एक पॉकेट कैसे काम करती है? एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट है वो 3 डिग्री, ध्यान दे बेटा, वो क्या है? 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। ऐसे इनमें से कोई एक पॉकेट एक्टिव साइट होती है जो केमिकल और फिजिकल चेंज कराती है, केमिकल और फिजिकल चेंज कराती है। अब एंजाइम काम कैसे करता है जरा समझ। ये एंजाइम है, सबसे पहले एंजाइम हमेशा पानी में काम करता है, सॉल्यूशन होना चाहिए, इसीलिए सीड में एंजाइम कम काम करते हैं क्योंकि पानी कम होता है। मुझे चैट में बताओ कितने परसेंट वाटर होता है सीड में, कितने परसेंट होता है? ये कहां लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, थर्ड जो सेकंड लास्ट पेज है ना, मतलब एपोमिक्सिस वाला पेज है, उससे पहले और उससे पहले जहां सीड दे रखा है 10-15% पानी रह जाता है। याद करो पानी कम है, एंजाइम कम काम करता है, लॉजिक ये है। तो एंजाइम को काम करने के लिए पानी चाहिए। एंजाइम पर सब्सट्रेट कैसे आता है? डिफ्यूजन से। कैसे आता है? डिफ्यूजन से। जब सब्सट्रेट लगता है तो शुरुआत में लूज बाइंडिंग होती है। कैसी होती है? लूज बाइंडिंग। फिर उसकी हल्की सी शेप बदलती है, और कैसी बाइंडिंग होती है? टाइट बाइंडिंग। तो क्या क्या पॉइंट याद करेंगे? पहला, एंजाइम हमेशा एक्वस मीडियम में काम करेगा। दूसरा, सब्सट्रेट एंजाइम तक आता है बाई डिफ्यूजन। तीसरा, शुरुआत में बाइंडिंग होती है लूज बाइंडिंग, फिर कौन सी बाइंडिंग होती है? टाइट बाइंडिंग। जब बाइंडिंग हो जाती है तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमने यहां पर देखा सबसे पहले एंजाइम पर सब्सट्रेट कैसे आता है? सर डिफ्यूजन से आता है। एक्टिव साइट इस कैसी होती है? शेप स्पेसिफिक, मतलब स्टीरियो, स्टीरियो वर्ड क्या होता है? शेप, शेप उसकी स्पेसिफिक होती है। लूज बाइंडिंग होती है, फिर टाइट बाइंडिंग होती है, फिर मेरे पास कौन सी स्टेजेस बनती हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या होती हैं? मतलब सब्सट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो सबसे पहले एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ये वाला एरो रिवर्सिबल है, ध्यान रखना, इस वाले पर रिवर्सिबल बना हुआ है, इसे कहते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस वाले को कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं? एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा, इन्हें ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। इन्हें ही क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले लूज बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फाइनली प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट की शेप उसमें फिक्स नहीं होती, वो छोड़ के निकल जाता है। वो क्या करता है? छोड़ के निकल जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट करेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसाइम, पहला पॉइंट। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री फाइनल स्ट्रक्चर, 3 डिग्री कुछ में क्वार्टनरी हो सकता है। लाइन डायग्राम से दिखा सकते हैं, यस और नो? यस सर, क्लियर है। उसके बाद एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है? क्रिवाइसिस, पॉकेट है। कोई सारी पॉकेट है नहीं, कोई एक पॉकेट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑल पॉकेट्स एक्ट एज एक्टिव साइट, रॉन्ग है, ठीक है। एक्टिव साइट पे क्या होगा? सब्सट्रेट बाइंड करेगा। कैसे आएगा? डिफ्यूजन से, लूज बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल? एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, चैट में बता, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल? रिवर्सिबल। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल इररिवर्सिबल? रिवर्सिबल इररिवर्सिबल? इररिवर्सिबल। डायरेक्ट पूछेगा नीट में, डायरेक्ट पूछेगा। मैं बता देता हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इधर देख बेटा, जब एंजाइम से सब्सट्रेट जुड़ता है तो टाइट बाइंडिंग होकर एंजाइम डॉट सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, यह वापसी भी जा सकता है। फिर बनता है एंजाइम डॉट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, इसको लिखते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको लिखते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर फाइनली जो होता है ये छोड़ के चला जाता है इसको ऐसे। अब इन दोनों को ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि ये तो इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है, तो ये बीच की स्टेजेस है ट्रांजिशन। ये वाला कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? मैं लगभग 90-95% सारा करा दूंगा। अच्छा, मैं ईमानदारी से 90-95 बोलता हूं, जो लोग 50% पढ़ाते हैं वो कहते हैं 100% सारा इसी में से आएगा। आपको कंटेंट को जज करना सीखना पड़ेगा बच्चे। आप लोग क्या करते हो, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, और आप बहुत बड़े वन शॉट्स पढ़ रहे हो। देखो बच्चे, हर चीज का एक समय होता है। 2 साल पहले कुछ और चीज का समय था, समय बदल रहा है। बच्चे के पास समय नहीं है कि वो इतना टाइम वेस्ट करे।
तो प्लीज अपना समय बचाओ, जो मैं करा रहा हूं मैं सारा इसी में से आएगा, पर आपको ये नोट्स को रटने का मतलब समझ के ही तो रट सकता है, समझ लिया आज, याद कर जा, लिख जा और एक बार देख पीवाई क्यों छूके। यस यस चलें आगे, ठीक है। मैं जब 100% कराता हूं तो मैं 90-95 पूरा। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब एक ग्राफ दे रखा है तेरे पास उसका एक्टिवेशन एनर्जी का, यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस लिखा है, रिएक्शन सबस्ट्रेट से किधर जाता है प्रोडक्ट की तरफ, और यहां लिखी है पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक कौन सा होता है, जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा हो प्रोडक्ट से, भाई जब सबस्ट्रेट की ज्यादा होगी प्रोडक्ट से तभी तो एनर्जी निकलेगी, जब प्रोडक्ट की ज्यादा हो सबस्ट्रेट से तो क्या होगा एंडोथर्मिक। अब हमें क्या करना है, हमें जानना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबस्ट्रेट ने जो ये पहाड़ चढ़ा, देख मेरी बात सुन, सबस्ट्रेट ने ये जो पहाड़ चढ़ा ऊपर, इस अंतर को, इस लाइन को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर जो एनर्जी होती है वो ट्रांजिशन स्टेट की होती है, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी, इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों की एनर्जी यहां है और यहां किसकी एनर्जी है, सबस्ट्रेट की। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लाइन है, एवरेज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एवरेज एनर्जी डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम ने यह कम कर दिया, एंजाइम ने क्या कर दिया, एंजाइम ने डिक्रीज कर दी एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोडक्ट जल्दी बल जाएगा। अगर मैं ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए बनाऊं तो सबस्ट्रेट नीचे होगा प्रोडक्ट ऊपर होगा, यस। अब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट यहां है सबस्ट्रेट यहां है, तो यह गैप बड़ा होगा, यस और नो। तो आपको समझना है कि एंडोथर्मिक जो होते हैं उसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक्सोथर्मिक में कम चाहिए। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का एवरेज एनर्जी डिफरेंस। याद हो रहा है, याद हो रहा है, याद हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, याद हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। एंजाइम क्या कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बता दो, क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, क्या यहां तक क्लियर है। तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। अब आओ जरा कुछ बात करते हैं, तो क्या इस स्लाइड से सारी बातें याद हो गई हैं। एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आता है बाय डिफ्यूजन, वो उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, टाइट बाइंडिंग होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर फाइनली, फाइनली क्या होता है आपको याद करो, फिर फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी एवरेज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, एंडो और एक्सोथर्मिक के ग्राफ में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यस, आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे फीचर ऑफ एंजाइम की। सबसे पहले एंजाइम जो है किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, ये बात सबको पता है, आपको भी पता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है एंजाइम की शेप स्पेसिफिक होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सबस्ट्रेट जो बाइंड करेगा वो फिक्स शेप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी भी फिक्स शेप होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की सिलेक्टिविटी, इसको एनसीईआरटी ने कैसे दिया है कि जैसे पाइरूवेट एक सबस्ट्रेट है वो बना सकता है एसिटाइल कोए, डिपेंड करता है एंजाइम कौन सा है, वो बना सकता है लैक्टिक एसिड, वो बना सकता है क्या बेटा, लैक्टिक एसिड के अलावा बना सकता है एसिटाल्डिहाइड। तो व्हाट इज सिलेक्टिविटी, व्हाट इज सिलेक्टिविटी, एंजाइम की मदद से मैं पाइरूवेट से एसिटाइल कोए बना सकता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, आपने बेटा केमिस्ट्री में पढ़ा है कि माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, नहीं, यहां क्या होता है, पाइरूवेट से मैं एसिटाइल कोए बनाऊंगा जब क्या लूंगा, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस, पाइरूवेट से लैक्टिक एसिड बनाऊंगा जब मैं क्या लूंगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, एसिटाइल्डिहाइड बनाऊंगा जब पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज लूंगा। तो मेरा मतलब ये हुआ, मेरा मीनिंग ये हुआ कि जो एंजाइम है ना, जो एंजाइम, मेरी बात सुनियो ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो एंजाइम है ना, हमारे पास एंजाइम है, वो सिलेक्ट कर सकता है आउट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, बहुत सारे प्रोडक्ट में से वो कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता है, इसको कहते हैं क्या, सिलेक्टिविटी, ये एंजाइम की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा आपने पढ़ा है टर्नओवर नंबर,
थर्ड नंबर है कि ये एक एंजाइम है, कितने सब्सट्रेट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, कितने सब्सट्रेट प्रोडक्ट में बनाता है गिवन टाइम में। यस, मैक्सिमम टर्नओवर नंबर दे रखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो 6 लाख पर सेकंड है बेटा, 6 लाख पर सेकंड है, नहीं तो वैसे 200 से 300 मॉलिक्यूल होता कुछ घंटों में। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस 6 लाख पर सेकंड क्या बनाता है बेटा, H2O प्लस CO2 को कंबाइन करके H2CO3 बनाता है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो हमने क्या याद किया, हमने याद किया सबसे पहले एंजाइम स्पेसिफिक होता है, शेप स्पेसिफिक होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट में से सिलेक्ट कर सकता है क्या बनाना है, टर्नओवर नंबर पता होना चाहिए। यस, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर है तापमान, टेम्परेचर। जब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, बहुत लो टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है, तो 10 डिग्री में एंजाइम लेस एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव नहीं होता, लेस एक्टिव हो जाता है। इसीलिए खाने की चीजों को फ्रीजर में रखते हैं ताकि एंजाइम काम ना करे, कम काम करे। लेकिन जैसे ही मैं हाई टेम्परेचर पे लिखूंगा तो एंजाइम खराब हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। यहां पर लेस एक्टिव को एनसीईआरटी लिखती है टेम्परली इनएक्टिव, टेम्परली इनएक्टिव लिख देती है, ऐसे भी लिख देती है। तो आपको यह समझना है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर एंजाइम खराब ही हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर एंजाइम लेस एक्टिव हो जाएगा। यस, अब जरा मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुना। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जहां एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी हो, क्या हो, मैक्सिमम एक्टिविटी हो। एंजाइम की एक्टिविटी और टेम्परेचर का जो कर्व बनेगा कैसा बनेगा, सर बेल शेप बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो इसमें ये जो टेम्परेचर है यहां, यहां मैक्सिमम एक्टिविटी है इस टेम्परेचर पर, इसको कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहां तक कोई डाउट है? यस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, अगर मैं 10 डिग्री बढ़ाऊं या घटाऊं तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 है, यह 25 है, अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूं, यहां 10 डिग्री बढ़ा दूं तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैं 10 डिग्री घटा दूं तो हाफ हो जाएगा। मतलब क्या हुआ समझे, जैसे मान लो मेरे पास ऑप्टिमम दे रखा है 25, ऑप्टिमम कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम काम करेगा इस पे। अगर मैं 35 डिग्री कर दूं तो इससे एक्टिविटी हाफ हो जाएगी, अगर 15 कर दूं तो भी हाफ हो जाएगी। एनसीईआरटी लिखती है कि अगर मैं 15 से 25 जाऊंगा तो डबल होगी, 35 से 25 जाऊंगा तो डबल होगी। मेरी बात समझ ध्यान से, मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं तो भी घट रही है, पीछे जा रहा हूं तो भी घट रही है। तो अगर मैं सेंटर में 25 डिग्री रखूं, 15 डिग्री इधर जाऊं तो हाफ हो जाएगी, सॉरी 10 डिग्री इधर जाऊं बढ़ाऊं तो हाफ हो जाएगी, 10 डिग्री कम करूं तो भी हाफ हो जाएगी। इसको एनसीईआरटी लिखती है कि 10 डिग्री बढ़ाने पर या 10 डिग्री घटाने पर रेट डबल या हाफ हो जाता है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है? इसको क्वेश्चन को कैसे दे सकते हैं, एक और तरीका है, अगर किसी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है तेरी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, और उसकी एक्टिविटी 4000 दे रखी है, 4000 वैल्यू दे रखी है, 37 डिग्री ऑप्टिमम है, तो मुझे बताओ कि उसकी एक्टिविटी 17 डिग्री पर कितनी होगी। 4000 वैल्यू दे रखी है एक्टिविटी की 37 डिग्री पर और यह ऑप्टिमम है, तो 17 डिग्री पर कितनी होगी। सर 37 से 27 डिग्री पर इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ, और 27 से 17 हो गए उसका हाफ। तो जो बच्चा 1000 लिख रहा है उसको बात समझ में आ गई है। यस शाबाश, यस पवन शाबाश, पवन गलत, 1000 आएगा, 1000 आएगा बेटा। 37 मैक्सिमम, 10 डिग्री कम 27, तो 4000 का हाफ 2000, 2000 का हाफ 1000, दो बार हाफ करा ना। यस बढ़िया है, आगे आ जाओ, पीएच की बात कर लेते हैं। व्हाट इज पीएच, पीएच पे देखो इस शेप को कहते हैं बेल शेप कर्व। पीएच का कर्व भी टेम्परेचर जैसा आता है, बेल शेप। एंजाइम शेप बदल जाती है पीएच बदलने से, क्योंकि एंजाइम की जो शेप होती है बैलेंस होता है सारी फोर्सेस का,
जैसे ही पीएच बदलते हो तो चीजें आयनाइज वगैरह होने लगती हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, एंजाइम खराब हो जाता है। जैसे नींबू गारने से दूध फट जाता है, उसकी प्रोटीन खराब हो जाती है, ऐसे एंजाइम खराब हो जाता है। तो हमारे पास कुछ एंजाइम है, माइलेज 6.8, पेप्सिन 1.8, ट्रिप्सिन 7.6। तो मेरे पास हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है। एवरी एंजाइम, जैसे मान लो एमाइलेज का 6.8 है, जैसे ही मैं उसको पेप्सिन स्टमक में ले जाऊंगा इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास मान लो एमाइलेज का हो गया, ये पेप्सिन का हो गया, ये ट्रिप्सिन का हो गया। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो एवरी एंजाइम का क्या होगा बेटा, एवरी एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, अलग अलग होता है। ऑप्टिमम पीएच क्या होगा, डिफरेंट होगा। यस और नो, यस और नो। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारी बॉडी का कोई एक ऐसा पार्ट बताओ जहां पीएच बदलती है एलिमेंट्री के नाल। हमारी बॉडी का एक ऐसा बताओ जहां पीएच कांस्टेंट है ब्लड। तो ब्लड में मिलने वाले सारे एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच क्या होनी चाहिए, चैट में बता ऑप्टिमम पीएच क्या होनी चाहिए। जैसे ब्लड की कितनी है सर, 7.35 या 4.2 जो भी हम लिखते हैं, वही होनी चाहिए। यस यस, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहे लोग है, आजा आगे आजा। अब हम बात करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट लेंगे इस पे और ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एंजाइम है और यह सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट एंजाइम तक आता है बाय डिफ्यूजन। कैसे आता है? डिफ्यूजन से। कैसे आएगा? डिफ्यूजन से। पहला पॉइंट, सबस्ट्रेट की संख्या एंजाइम के नंबर से ज्यादा होती है। क्लियर है? सबस्ट्रेट की संख्या, देख बेटा ध्यान से सुन, मेरे पास ये सबस्ट्रेट है और ये वेलोसिटी ऑफ एंजाइम है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ये सबस्ट्रेट बढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझ बेटा, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अपने आप ही सबस्ट्रेट बढ़ा रहा है, बताओ। ये जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अच्छा कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करते हो सर, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा, ये बॉक्स बना देते हैं। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, डिफ्यूजन बढ़ता है, डिफ्यूजन इंक्रीज होता है और वेलोसिटी इंक्रीज होती है। याद ये रखना है कि सबस्ट्रेट मूव करता है डिफ्यूजन से, सबस्ट्रेट का नंबर ज्यादा होता है एंजाइम से। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हो वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ता है, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है। जब सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाए, ये सारे एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाए, अब क्या होगा, वी मैक्स अचीव हो जाता है, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वी मैक्स, व्हाट इज वी मैक्स, जब सारी एक्टिव साइट क्या हो, ऑक्यूपाई हो, सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई है उसको अपने वी मैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वी मैक्स। मैं रिपीट करूंगा, सबस्ट्रेट एंजाइम तक कैसे आता है, डिफ्यूजन। सबस्ट्रेट का नंबर एंजाइम से ज्यादा होता है। जब सबस्ट्रेट आता रहता है तो हम सबस्ट्रेट बढ़ाएं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि अभी एंजाइम की एक्टिव साइट खाली थी, सारी भरेंगी। एक ऐसा समय आएगा कि सारी एक्टिव साइट काम कर रही होंगी तो हम कहेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई, जिसे वी मैक्स कहेंगे। तो जब हम ये देखें ग्राफ, ये ग्राफ अभी तो ऐसे सीधे जा रहा है, लेकिन बाद में जाकर ये ग्राफ कैसा हो जाता है, ये ग्राफ कैसा हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है। ये देख, ये ग्राफ यहां पर कांस्टेंट हो गया ऐसे। तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, वी मैक्स। वी मैक्स मतलब सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गई। अब हमने ये देखा कि वी मैक्स कब है, मान लो 10 एंजाइम थे, 10 में से 10 एक्टिव काम कर रहे हैं। अब अगर मैं 5 एंजाइम की बात करूं, मतलब वीमैक्स के आधे की बात करूं, यहां पे बात करूं, ये वीमैक्स है, इसका आधा यहां आएगा। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे और यहां से जोड़ दूं, तो यहां जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगी उसे केएम कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वीमैक्स है यहां पर, देख यहां ये वीमैक्स है, ये वीमैक्स है, इसका आधा यहां आएगा। मैंने ये लाइन यहां बढ़ाकर यहां जोड़ दी, तो केएम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसमें वेलोसिटी इस Vmax का आधा है। Km वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसमें वेलोसिटी इस Vmax, इस Vmax का आधा है। तो Km क्या है? It is that सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which velocity is half of Vmax। ये समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछे Km क्या है, Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। Yes or no? Yes or no?
यस और नो, यस और नो। दूसरा बेटा फोकस करो, स्पैमर के चक्कर में ना फंसो। बेटर एंजाइम क्या होगा? जिसका लो केएम होगा, मतलब कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ज्यादा वेलोसिटी दे रहा है। यस, तो याद हो रहा है सबसे पहले क्या क्या पॉइंट याद करने हैं। सबस्ट्रेट कैसे मूव करेगा? डिफ्यूजन। सबस्ट्रेट का नंबर एंजाइम से ज्यादा होता है। सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। एक ऐसा समय आएगा सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई, वीमैक्स अचीव हो जाएगा। केएम क्या होता है? हाफ ऑफ वीमैक्स पे कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये याद हो गया, ये याद हो गया। यस, अब आ जाओ इनहिबिटर क्या होता है। इनहिबिटर डिक्रीज करता है एंजाइम एक्टिविटी। इनहिबिटर तीन टाइप के हैं तुम्हारे सिलेबस में, वैसे तो मेनली दो हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव, जिसमें इनहिबिटर की शेप, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट इनकी शेप सिमिलर है। क्या सिमिलर है शेप? क्या केमिकली भी सेम है? नहीं। इसका एग्जांपल है एंजाइम, देखो बेटा इसका एग्जांपल है एंजाइम सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जो क्रैब साइकिल में था। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। प्रोडक्ट क्या है? फ्यूमरेट। इनहिबिटर क्या है? इनहिबिटर है मेलोनेट। क्या है? मेलोनेट। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब दियो बेटा, उस सवाल का जवाब दियो। अगर मेलोनेट ज्यादा होगा तो क्या कम बनेगा? फ्यूमरेट कम बनेगा। तो मेलोनेट इनहिबिटर है, किससे कंपीट कर रहा है? किसकी किसकी शेप सेम है? मेलोनेट और सक्सिनेट की शेप सेम है। क्या कम बनेगा? फ्यूमरेट। मेलोनेट किससे आके लग रहा है? सक्सिनेट से। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर सेम एक्टिव साइट के लिए कंपीट करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है बेटा, कैसे ओवरकम करते हैं? ओवरकम कैसे करते हैं? इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ओवरकम मतलब इसके बाहर कैसे आ सकते हैं? सबस्ट्रेट बढ़ा दो, सबस्ट्रेट बढ़ा दो। अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा दोगे तो क्या होगा? केएम इंक्रीज हो जाएगा और वीमैक्स पर नो चेंज। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कैसे ओवरकम करोगे? आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इसकी वजह से केएम बढ़ जाएगा। तो क्योंकि केएम क्या था? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे था, केएम बढ़ जाएगा। वीमैक्स अनचेंज है, वीमैक्स क्या है? अनचेंज है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यस। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा बेटा? इनहिबिटर जो है अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करता है, अदर देन एक्टिव साइट, उसमें सबस्ट्रेट बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे सिलेबस में ज्यादा इसका एग्जांपल नहीं दे रखा, लेकिन याद कर ले, जो कॉम्प्लेक्स फोर है ना, किसका कॉम्प्लेक्स फोर? ईटीएस का। उसका नाम क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये याद कर ले। और इसको ब्लॉक करता है कौन? ब्लॉक बाई साइनाइड, ये याद कर ले। अच्छा, इसमें कुछ एंजाइम खराब हो जाते हैं तो वीमैक्स डिक्रीज हो जाता है, पर क्या आधे एंजाइम ठीक है? क्योंकि केएम जो है वो हाफ एंजाइम से रिलेटेड है, तो केएम क्या होगा? अनचेंज होगा। यस यस। एलोस्टेरिक क्या होता है बेटा? किसी किसी एंजाइम का जो प्रोडक्ट बनता है ना, वही इनहिबिट करने लगे, एक तरीके से फीडबैक इनहिबिशन की तरह। तो एलोस्टेरिक में प्रोडक्ट इनहिबिट करने लगे, खुद को बनने को रोके, दैट इज एलोस्टेरिक। पर कॉम्पिटिटिव क्या है? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की क्या सेम है? सेम सेम है, केमिकली सेम है। नहीं, क्या करेंगे? सबस्ट्रेट बढ़ा दो। एग्जांपल, मेलोनेट और सक्सिनेट कंपीट करते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वीमैक्स नो चेंज, केएम बढ़ जाएगा। यस, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट, एंजाइम खराब हो जाते हैं, इसलिए वीमैक्स डिक्रीज कर गया, केएम अनचेंज। एलोस्टेरिक में बता दिया। यस यस यस। लास्ट आज
आवाज आ रही है? हाँ भाई आवाज आ रही है, सॉरी कहां से छूट गया भाई, कहां से छूट गया? अब आ रही आवाज? यस, ये बताना नॉमनक्लेचर से, नॉमनक्लेचर से बताते हैं, सुन ध्यान से, नॉमनक्लेचर से छूटा, ध्यान से देख, देख बच्चे नॉमनक्लेचर क्या होता है। हमारे पास इतने सारे एंजाइम है, हमने उन्हें नाम देने की कोशिश करी, कुछ ट्रेडिशनल नाम है जैसे अमाइलेज, कुछ ऐसे नाम है, कुछ नाम है केमिकल रिएक्शन पे। टोटल मेरे पास कितनी क्लासेस होती है? 6 क्लासेस है और 4 से 13 सब क्लासेस है। हमारे पास क्या क्या ग्रुप है ध्यान से देख। सबसे पहले हम कैसे याद करेंगे, कितनी क्लासेस है? 6 मेन रिएक्शन है, OTHLIL, ऐसे याद करना है, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करेगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या ट्रांसफर करता है? हाइड्रोजन का ट्रांसफर करता है एक तरीके से। तो जितने भी डिहाइड्रोजिनेज तूने पढ़े, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, सब किस में आएंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज में। ट्रांसफरेंस क्या करता है? ग्रुप ट्रांसफर करता है, जैसे ग्लूकोज है ना, उसमें एटीपी ने अपना फॉस्फेट दे दिया तो ये बन गया। हाइड्रोलेज क्या करता है? पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ता है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज, अमाइलेज, ये सब किस में आते हैं? हाइड्रोलेज में। लाइसोजोम के जो भी एंजाइम है कौन सी क्लास में आएंगे? 3rd क्लास में आएंगे, क्लास का नंबर फिक्स होता है। ऐसे ही मेरे पास लाइएज, लाइएज जो होता है बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लाता है, पर ये जो एक्स वाई चीज हटी, आपने पढ़ा है ना कि अगर मैं एक्स वाई हटा दूं, जैसे मान लो ये एच हो, ये सी एल हो, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, हम जिसे लिखते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, कुछ ऐसा पता नहीं है, शायद ऐसे ही होता होगा, डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसे आप इथीन बना लेते हो, यस है ना, एल्काइल हैलाइड के डी हाइड्रो हेलोजिनेशन से, शायद मुझे याद आ रहा हो, नो वाटर इन्वॉल्व, यस। तो ये एक्स और वाई हटा देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। आइसोमरेज का मतलब है आइसोमर बना रहे हैं। आइसोमरेज का क्या मतलब है बेटा? आइसोमरेज का क्या मतलब है? इतना झपड़िया मारे ना, लिख रहा है 2 घंटे बोल के, 4 घंटे कितनी देर हुई है भाई? एग्जैक्ट अभी 2 घंटे कुछ मिनट हुआ होगा, बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूं, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, तेरी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का आधा है ये, तेरी पूरी फिजिक्स जितनी तू पढ़ेगा ना उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें से बहुत बड़ा पार्ट है ये, और तुझे आता नहीं है बायोमोलिक्यूल, जो तू पढ़ता ना ऊपर ऊपर से नाम याद करके, वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर है, तूने जिससे पढ़ रखा है बेटा गड़बड़ है, अगर ध्यान से सुनेगा नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के मुश्किल इसलिए लगते हैं तू समझता नहीं है, इसलिए इधर ध्यान दे। लाइक देख बेटा, ये और ये हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यस। इसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आइसोमरेज क्या होगा? आइसोमर बनाएगा। स्टीरियो पोजिशनल, पोजिशनल आइसोमर का एग्जाम्पल तेरे ग्लाइकोलिसिस में था, 2PG से 3PG, 3PG से 2PG वाला, या ग्लूकोज मतलब 6-फॉस्फेट था, याद कर ऐसे करके, है ना, यस यस, वो छोड़ देते हैं, मतलब 2PG से 3PG पोजिशनल है, स्टीरियो है, ऐसे आइसोमर। उसके बाद लाइगेज क्या करेगा? बॉन्ड ज्वाइन करेगा, यस। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, कोफैक्टर, ठीक है, लास्ट क्यों मैं बता देता हूं, मैं आज सेल नहीं कराऊंगा, मैंने सेल की पीपीटी बनानी स्टार्ट करी थी लेकिन अभी वो पूरी हुई नहीं मेरी, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल पे लगे हुए अभी हम, तो नहीं हो पाई बेटा, है ना, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, सेट करना पड़ता है कि ये बताना है, ये नहीं लिखना, ये लिखना, ऐसे करके पूरा सेट करना पड़ता है मुझे, तब जाके इस पर कुछ बना पाता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये कम समय में पढ़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, यस। एक लिख रहा, ओ नो रे गधा, आज का इतना भी कर लेगा, तुझे पता है तूने क्या काम किया? तू खुद से नहीं रिवाइज कर सकता इतने टाइम में, मुझे पता है जितना मैंने कराया। इधर ध्यान दे, अब देख कोफैक्टर क्या होते हैं। बहुत सारे एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट बना होता है, ठीक है, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम समझ ध्यान से, बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, कुछ को प्रोटीन के साथ कुछ और चीज चाहिए। अब ये कुछ और चीज प्रोटीन तो हो नहीं सकती भाई, जब एंजाइम प्रोटीन का होता था तो कुछ और चीज प्रोटीन की हो नहीं सकती, तो जो कोफैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीन होता है, पहली बात तो ये हो गया। तो कोफैक्टर को हम क्या मानते हैं? नॉन प्रोटीन होता है। तो ये नॉन प्रोटीन प्लस प्रोटीन मिलाकर होलो एंजाइम कहते हैं। तो जो प्रोटीन पार्ट है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन है और होलो एंजाइम क्या है? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन है। तो पूरा एंजाइम कहलाते हैं होलो, प्रोटीन प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर बेटा 3 तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक है, दूसरा 2 ऑर्गेनिक तरह के होते हैं।
इनऑर्गेनिक मेटल आयन होता है। इनऑर्गेनिक क्या होता है? मेटल आयन। तेरी एनसीईआरटी कहती है ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल आयन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। उसका एग्जांपल है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेस कार्बोनिक एनहाइड्रेस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को जिंक चाहिए। देख ले इधर पैपकेज रूबिस्को हेक्सोकाइनेज। ये केमिस्ट्री में भी पूछा था कि एक अल्कलाइन अर्थ मेटल बताओ ऐसा कुछ करके, या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में काम आता है, Mg प्लस टू चाहिए। नाइट्रोजिनेज को Fe और MO चाहिए। यस Fe और MO। यस अब इधर देख, तो मेरे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। ध्यान सुन, नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी इनऑर्गेनिक, नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में एक होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है? एंजाइम के साथ तभी जुड़ता है जब उसको रिएक्शन कराना हो, तभी जुड़ता है जब रिएक्शन कराना हो। यस तो वो लूजली बाउंड है। और वो किससे डिराइव होता है? वो किससे आते हैं? कोएंजाइम विटामिन से। याद रहेगा किससे डिराइव होते हैं बेटा? वो डिराइव होते हैं विटामिन से। यस उसके एग्जाम्पल है एनईडी एनईडीपी, जो किससे आता है? नियासीन नाम के विटामिन से। एफएडी आता है राइबोफ्लेविन से, और टीपीपी आता है थायामिन से। टीपीपी कहां यूज होता है? लिंक रिएक्शन में। ऐसे ही ऑर्गेनिक में एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो टाइटली कोवेलेंटली बाउंड होते हैं। उसका एग्जांपल है हीम, जो एक्टिवेटर है दो एंजाइम का, परोक्सीडेज एंड कैटलेज। और अगर मैं इनको हटा दूं, इनको हटा दूं, या किसी भी उनको हटा दूं, तो एक्टिविटी लॉस हो जाती है। अगर मैं कोफैक्टर हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो एक्टिविटी घटती नहीं है, एक्टिविटी लॉस हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट ड्यू टू ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बी रिमूवल ऑफ कोफैक्टर, सी कुछ और लिख लो, ए और बी में से बताओ। रिमूवल ऑफ कोफैक्टर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिविटी घटाता है, खत्म नहीं करता। आई समझ? रविराज आना बताएंगे आपको, अलग से बताएंगे बेटा। हाँ मिलो कभी तब बताते हैं, आओ। ठीक है तो खत्म कर रहे हैं इसी के साथ। इसकी पीपीडीएफ दे देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजिकल के साथ सेल को लगा के करा देंगे, क्योंकि उसमें प्रोकैरियोटिक वैसे भी कराना होता है। मिले? ठीक है। हाँ हाँ तुम्हारी सारी तरह की शंका दूर करेंगे। ठीक है इसकी पीडीएफ जा रही है, कोई गड़बड़ नहीं। पीडीएफ को आज तीन बार लिख के याद कर लेगा। 7 क्वेश्चन है तेरे पास इसके, अगर तू नहीं कर सकता तो दिक्कत है तेरे साथ। ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, सेल और बायोलॉजिकल साथ कराएंगे, मॉर्फो एनाटॉमी साथ करा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है एक बार मुझे बता देना, आपको पहले सेल चाहिए या मॉर्फो चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले चाहिए, मुझे चैट में कमेंट में जरूर बता देना। दूसरा, आपको इससे तेज चाहिए स्लो चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से सही पेस है। यस बाय। अच्छा इसकी पीडीएफ जो बच्चे बोल रहे हैं, अभी आप वीडियो के लिंक में जाओगे ना, वहां टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर तुरंत डाल रहा हूं, तुरंत से। ठीक है वहां से ले लेना। यस yes.